वेलकम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, सेहत सबकी ठीक है। सबसे बड़ी दुआ आजकल यही है कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके घर में मौजूद सारे जो जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब सेहतयाब रहें। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुआ आजकल के ज़माने में और कोई नहीं हो सकती। और एक दुआ जो हम हमेशा कर रहे होते हैं पाँच वक्ता नमाज में कि या अल्लाह हमें इस आजमाइश से जल्दी से बाहर निकाल और हम सबको माफ़ फरमा, जो भी गुनाह हमसे हुए हैं वो सब उन सब से हमें माफ़ फरमा। आज एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिसमें आप सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ अपने आप को याद रखें। कभी कभार आपको अपने आप को याद रखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आता है और वो ख़ास तौर पे आपकी बेटी होती है और उसकी जब आप छठी सेलिब्रेट करती है, हर किसी के अलग अलग त्यौहार होते हैं जो वो मना रहे होते हैं उस बेटी के पैदा होने के बाद, और जो वो तैयारी ख़ानदान वाले आपकी देखते हैं तो रश करते हैं कि वाह, अब इसकी माँ ने, इसकी नानी या दादी ने कितनी तैयारी की हुई है बच्ची के लिए, इतने छोटे छोटे उसके मौजे देखकर या उसकी छोटी छोटी झबले फ्रॉक्स देखकर या उसके वो सामान जो आपने जमा किया होता है, कितने सारे दिन लगाकर एक एक चीज़ मेहनत से निक सुख से जोड़कर आपने वो रखी होती है, तो उस वक्त आपके ख़ानदान वाले रश करते हैं। फिर बेटी और बड़ी होती है और उसकी सालगिरह का दिन आ जाता है, तो जब उसकी सालगिरह आती है तो आप अपने हाथ से उसके लिए चीज़ें बनाती हैं और घर को सजाती हैं, उसके लिए तोहफा, एक ऐसा मुनफरिद तोहफा सोचती हैं जिसको देखकर वो खुश हो जाती है, तब भी लोग आप पे रश करते हैं कि वाह क्या माँ है भाई, क्या अपनी बेटी का ख्याल। वैसे ज़्यादातर माएँ ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं, अब्बा तो कहते हैं क्या ज़रूरत है फजूल खर्ची करने की, मेरे अब्बा ने तो हमेशा ऐसे किया, है क्या ज़रूरत है बर्थडे की, ये कोई खुशी की बात है, एक साल ज़िंदगी का और कम हो गया। लेकिन सेलिब्रेशंस ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर आपको एक छोटी छोटी खुशी मनानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको ज़िंदगी का पता नहीं होता कि ये कितनी लंबी है, तो इसलिए जितनी भी है उसको फेस्टिविटी की तरह मनाएं और उससे प्यार करें। फिर जैसे जैसे बच्ची बढ़ती है तो उसकी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई में भी आप कोई कसर नहीं छोड़ती, कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो कोई होमवर्क्स हैं, कोई असाइनमेंट्स हैं, उसमें भी आप उसको ले लेके इधर उधर घूमती हैं कि क्या चीज़ उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। यानी कि एक मेहनत का दौर होता है आपका बच्चियों के साथ, जिनको आप पालती पोसती हैं, उनको परवान चढ़ाती हैं, और आप उनकी ये सोचे समझे बगैर कि इस लड़की ने तो दूसरे घर जाना है, इस पे इतने पैसे इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है पढ़ाई में, मगर आप ये सोचती हैं कि इसे दूसरे घर जाके एक नई जनरेशन को आगे लेके चलना है, तो उसके लिए उसकी उसका एजुकेटेड होना, अच्छी तरह पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसकी हर लम्हे में, ज़िंदगी के हर कदम पर उसकी मदद कर रही होती हैं। फिर जी अगर वो शॉपिंग पे चली जाए आपके साथ तो आप तो मारी मारी फिर रही होती है उसकी शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। सीरियसली अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो 4-5 घंटे मुझे देने पड़ते हैं उसको शॉपिंग के लिए और 4-5 घंटे उसके अब्बू को देने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी पसंद बहुत मुश्किल है, उसको पसंद ही नहीं आता उतने 4-5 घंटे में। मैं तो 4-5 जोड़े खरीद लेती हूँ लेकिन उसको एक भी नहीं पसंद आ रहा होता। तो बच्चियाँ जब नाजों से पली होती हैं तो उसकी उनकी चॉइसेस भी वैसी होती हैं। फिर आ जाएं आप उनकी शादी के हवाले से, उनकी शादी की जो रस्मुआत होती हैं आप उसमें भी बहुत आगे आगे होती हैं, हर चीज़ आपने प्यार मोहब्बत से जमा की होती है और ज़िंदगी भर आप जोड़ती आई होती है, जो चीज़ अपने घर के लिए ली एक आध उठा के एक्स्ट्रा रख ली और वो एक पेटी घर में रखी होती है जिसमें आप वो चीज़ें डालती जाती हैं, और जब वो पेटी भर जाती तो आपको लगता है ओह टाइम आ गया। अब वो टाइम आ गया जिस टाइम में आप अपनी बेटी से खुद बिछड़ेंगी, यानी उसको खुद किसी उसका हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगी। लेकिन खैर, इन सारी जद्दोजहद में, इन सारी भागदौड़ में आप एक चीज़ भूल जाती हैं कि वो बेटी जो परेशान बैठी एक दाना यहाँ निकल आया, माँ कल मेरा माई हुआ ये दाना देखें, या कल मेरा फेयरवेल है ये देखें ये क्या हो गया, बैग से जल गया। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन पर आप तवज्जो नहीं दे पाती जब तक कि वो दाना नज़र ना आ जाए आपको आपकी बेटी के चेहरे पर, या आप वो जो कंघी जिससे आप उसके बाल ब्रश करती हैं या कोम करती हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा बाल ना आ जाए, तो आप एक फ़िक्र में पड़ जाती हैं कि ओहो ये क्या हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी बेटी टीनेज में कदम रख रही थी और उसके बाद उसके इतने प्यारे बाल थे, तो
उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे उसके बाल ब्रश के दौरान बहुत झड़ रहे हैं और हाथ में भी ऐसे आने लगे. मैं तो परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि अक्सर माओं को समझ नहीं आ रहा होता. सिर्फ तेल इसकी दवा नहीं होती है, सिर्फ तेल की मालिश करने से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते. ये अंदर की चीज़ें होती हैं, कभी कोई कमी रह जाती है, कोई विटामिन की कमी होती है, किसी मिनरल की कमी होती है, वो चीज़ें आप सिर्फ डॉक्टर से पूछ कर ही उस चीज़ों उन चीज़ों पर रद्द अमल इख्तियार कर सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मदद से जल्द अज जल्द आपके गिरते हुए बाल रुके, आपकी ख़राब होती हुई स्किन रुके. तो इसलिए आज हमने एक ख़ास प्रोग्राम, ब्यूटी प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया है, जो उन माओ के लिए भी है, उन बेटियों के लिए भी है, उन बेटियों के बाप के लिए भी है, उन बेटियों के भाइयों के लिए भी है, एक्चुअली पूरे घराने के लिए ये प्रोग्राम है. क्योंकि इन मसाइल्स जो हम आज आपको बताने वाले, इनसे हर कोई गुजरता है. मर्द तो अपने पर बिल्कुल तवज्जो देते ही नहीं इस मामले में, मगर क्योंकि अभी वो घर पे बैठे हैं तो तवज्जो देना तो बनता है. किस पे तवज्जो दे, तो अपने आप पे ही दे दीजिए. एक छोटे से वक्फे के बाद मेरे साथ यहाँ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होंगे, एक डॉक्टर होंगी, हर्बलिस्ट होंगी, और हम सब मिलकर आज करेंगे आपकी मदद, और साथ साथ आपकी फ़ोन कॉल्स होंगी जिनकी मदद से हम जान सकेंगे कि क्या है मसला आपका. और देखें ना, अभी तो सारे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स बंद करके बैठ गए हैं, अगर आपको कोई मसला दरपेश आ भी गया है तो कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे. तो मैं हूँ ना गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, आज ब्यूटी ऐसा ब्यूटी प्लस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए हम आंखें बिछाए बैठे. छोटे से वक्फे के बाद आइए मुलाकात करते हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट से. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जी, एक खूबसूरत से प्रोग्राम के लिए, एक खूबसूरती से भरपूर प्रोग्राम के लिए खूबसूरत एक्सपर्ट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं. बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आई हैं डॉक्टर ज़ारा. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप बताएं कैसे? तबीयत ठीक है? बिल्कुल. खानदान में सबकी तबीयत ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है. ये भी पूछ रहे आप, सब खाली आपकी तबीयत नहीं, पीछे वाले जितने जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. तो आज डॉक्टर ज़ारा एक्चुअली अपनी दवाइयों के साथ हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको ये बताया जाएगा कि वो कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसीज हैं वो तो सारी खुली हुई हैं, बट क्लिनिक्स क्लोज, क्लिनिक्स नहीं है. और आजकल लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि मतलब खाली कोरोना के अलावा बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं, उनके लिए क्या करें. तो वो भी सब टोटकों से काम चला रहे हैं, कोई बात नहीं, सब हालात सही हो जाएंगे. हमारे साथ बहुत और दिनों बाद हमारे सायमा भी मौजूद है. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. सलमा, मैं हमेशा मैं ये कोई साला साल हो गए जो मैं सलमा को सायमा कहती हूँ, और सलमा हमारे साथ मौजूद है. आई डोंट नो, अक्सर लोग मुझे इतने सालों बाद भी निदा के बजाय नादिया कहते हैं, तो वो आपके साथ भी यही सीन है. मेरे मुंह से हमेशा आपके लिए सायमा निकलता है सलमा के बजाय. बिल्कुल ठीक ठाक है. अभी आप कह रही हैं कि घर वालों की खैरियत पूछना बड़ा जरूरी है, घर वालों की नहीं, नेबरहुड की पूछना बड़ा जरूरी है, आपका एरिया सेफ है या नहीं है, सबसे ज्यादा ये बात है ना. एक दूसरे को ये मतलब अजीब वो आ गया कि हम तालीमात ही दे रहे हैं, ना दावत पे जाए ना दावत पे बुलाए. बस मुझे एक चीज पे थोड़ी सी जरूर हुई थी, अभी पिछले दिनों एक शो पे किसी ने कह दिया कि हमने बाहर बोर्ड लगा दिया है, बल्कि ये फेसबुक पे बड़ा ज्यादा चला कि प्लीज बेल बजा के शर्मिंदा मत करें और हम किसी से नहीं मिलेंगे. तो मैंने कहा प्लीज ये मत लगाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को जरूरत हो, कोई बच्ची बाहर गुजर रही हो, कोई स्नैचिंग का इशू हो, कोई किसी किस्म का भी हो सकता है, कोई बेहोश होने वाला हो, तो हम इतने नहीं बुरे हुए, लेकिन ये है कि पानी किसी को पिला सकते हो, तो ऐसी चीजें मत करें, लेकिन यस एहतियात जरूर. नहीं नहीं भाई, पानी पिलाने से घर में घुस जाते. नहीं नहीं, मैंने बॉटल्स रख दी हुई है घर में, और मैं बॉटल्स दे देती हूं. से ऐसे है ना, रस्सी में एक टोकरी रख दे, नहीं होते था अपार्टमेंट्स में लटकते थे, तो वो वाली टोकरी भी ये लीजिए. लेकिन कोरोना के साथ साथ मैं लोगों से ये जरूर कहूंगी कि एक मौका आया है हम सबके पास. ठीक है, हालात बहुत बुरे हैं, मुश्किल हैं, लेकिन कहते हैं ना जब मुश्किलात बहुत ज्यादा होती है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं. तो अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि अब हमें टाइम मिला है अपने घर वालों को एंजॉय करने का, उनके साथ बैठने का, थोड़े में खुश रहने का. बिल्कुल आगे आने वाला वक्त मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन ये कि एक दूसरे का साथ होगा तो हर चीज गुजर जाएगी. जी, और डॉक्टर बिल्किस भी हमारे साथ हैं. कम में इंट्रोडक्शन करा. ठीक ठाक, हम इसी बहाने, इस प्रोग्राम के बहाने आपस में मिल जाते हैं, और लिटरली मुझे इस प्रोग्राम को लाइक
अटेंड करने के बाद एहसास होता है कि कितनी जरूरत होती है हम एक दूसरे की, जब हम बिल्कुल क्वारंटाइन में बैठे हुए घर में और हम किसी से नहीं मिल रहे होते। आप लोगों से मिलने के बाद एक सुकून सा मिलता है कि वाकई हर शख्स को एक दूसरे की शदीद जरूरत होती है, और मेरा मूड अच्छा हो जाता है जब मैं अपनी सहेलियों से मिलती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, तो मूड अच्छा हो जाता है और दिन अच्छा गुजरता है। जी, सबसे पहले हम स्किन को फॉलो करेंगे। स्किन आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि लाइक, अब चलिए मैं तो ऑफिस आ रही हूँ, आप इधर उधर अपने क्लिनिक तो नहीं जा रहे होंगे, लेकिन आप प्रोग्राम में कभी एक आध दफा आ गए हफ्ते में, तो होता क्या है जब हम कहीं जा रहे होते हैं तब तो हम मुंह भी धो रहे होते हैं और जी हल्का फुल्का मेकअप भी, लेकिन जब आप घर पे हैं तो पूरा पूरा दिन ऐसा हो जाता है, जैसे मैं देखती हूँ और लोगों को, कि मुंह भी नहीं धो लिया, छपका मार के बस हो गया, दाने निकल रहे हैं, बजाय घर में रह के फ्रेश होने के उल्टा हो रहा है और ज्यादा डल हो रहे हैं और डल हो रहे होते हैं। कौन मुंह धोए, नहीं तो हम सैलून के चक्कर भी लगा लेते थे, वैक्सिंग भी हो जाती थी, थोड़ा फेशियल भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सब कुछ बंद किया हुआ, और लोगों ने घर में भी डिप्रेशन की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब हार्डली एक दफा खा के जो है वो, फिर ऑयली चीजें खा खा कर पिंपल्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पिंपल्स भी हो रहे हैं, स्किन डल ड्राई बहुत हो रही है, वेदर भी बहुत अजीब सा है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी जो है एकदम सर्दी लगने लगती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो स्किन का जो हाल है मुझे पता है, घर में ना सिर्फ माँ बाप बच्चे ये सब सरवाइव करें, स्किन की वजह से बहुत और चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप सरवाइव करें, आई नो, लेकिन इस वक्त हम जिस चीज़ को फोकस करें, मैं चाह रही हूँ कि उस डिप्रेशन से आपको इस डिप्रेशन में ले आऊँ जो आपकी स्किन पे हुआ हुआ है। तो आइए सबसे पहली शुरुआत करते हैं, हम कॉलर्स भी लेंगे और थ्रू कॉलर्स आप अपने तीनों एक्सपर्ट से, सलमा से, बिल्किस से और डॉक्टर ज़ारा, इन तीनों से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले पिंपल्स, जैसे जो प्रॉब्लम मैं अपने से शुरू करती हूँ जो मुझे दरपेश हो रही है, कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं रोज़ मेकअप करती हूँ तो उसकी वजह से मैं अपनी क्लेंजिंग तो घर जाके कर लेती हूँ, लेकिन वो डीप क्लेंजिंग नहीं होती, तो मुझे कोई 15 दिन में एक सैलून का चक्कर लगाना पड़ता था जिसपे मैं फेशियल कराती थी, और फिर मेरे सारे जितने मसाम में बेस घुस जाती थी या रह जाती थी वो मैं निकलवा लेती थी, लेकिन अब सारे सैलून्स, हाँ सैलून्स बंद हैं तो मैं तो चक्कर ही नहीं लगा पा रही, तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे वाइट हेड्स और मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है फिर वो इनसे मैं निजात पाती हूँ। तो आप तीनों अपने अपने हवाले से मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं, पिंपल्स से कैसे बचा जाए, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, इस तरह की तो मैं बताऊंगी, लेकिन यह है कि एक चीज जरूर है कि इस टाइम जिस तरह हम आइसोलेशन में हैं, क्वारंटाइन पे हैं, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, इतने ज्यादा टोटके निदा के शो पे हमने आपको बताए हैं जिनका हमें फीडबैक एक दो दिन के लिए बड़ा अच्छा वो लोग देते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, अगर इन दिनों में वो रखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और पिंपल्स की जहाँ तक बात है, अगर आप ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होने नहीं देंगे, उसकी वो कहते हैं ना कि पहले ही प्रिपरेशन कर लें, चीज़ की पहले ही एहतियात कर लें बजाय हम इलाज की तरफ भागते रहें, तो वो एहतियाती तदाबीर आप करें, अगर अपनी स्किन की क्लेंजिंग आप बहुत अच्छी करेंगे तो आपको कभी पिंपल्स की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। और अपनी खुराक के का ध्यान रखें, बहुत मिर्च मसाले वाले मत खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली मत खाएं, सिंसिन ब्लू मून वाला हिसाब है या चीट डे के तौर पर आप कभी कभार खा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पानी पानी भी बहुत कम पी रहे हैं लोग घर में बैठे हुए ना, क्योंकि धूप धूप में निकल नहीं रहे, पानी भी बहुत कम पी रहे हैं। पानी पीना तो आपके उस मसले के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक क्वारंटाइन मतलब लाइक इसके लिए, कोरोना के लिए, कोरोना के लिए बहुत अच्छा है। ल्यूक वार्म वाटर पिए, उससे आपकी स्किन बहुत फ्रेश होगी। कोरोना के लिए भी ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा लेमन डाल के या नीम गर्म पानी पिए, आपकी स्किन बहुत फ्रेश होगी, ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेशन होगी तो आपकी स्किन पे बहुत फ्रेशनेस आएगी, ग्लो करेगी। लोग पानी पीना बिल्कुल भूल गए, मुंह धोते हैं सिर्फ एक दफ़ा, तो इसकी वजह से पिंपल्स भी, डार्कनेस, पूरे टू टोन स्किन और फेशियल्स ले नहीं रहे, नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीला कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, मैं भी पहली दफ़ा कॉल लगी है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नौशीला बताएं क्या सवाल करना चाहेंगी अपनी स्किन के हवाले से। मैं डॉक्टर ज़ारा से बात करना चाहूंगी। जी प्लीज, बिल्कुल आपसे बात करें। जी, मेरी चेहरे पर बहुत जिद्दी छाइयां हैं। छाइयां हैं आपके चेहरे पर? ठीक है, देखिए अस्सलाम वालेकुम नौशीबा, नौशीला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपका स्किन का रूटीन क्या है जी? आप अपनी स्किन पे क्या इस्तेमाल करती हैं डेली रूटीन में? कुछ भी नहीं। ये छाइयां कब हुई वो पूछना चाह रही, कैसे हुई छाइयां? बच्चों के होने के बाद हुई है या धूप में जाने?
जी मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उसके बाद में। ठीक है, देखिए ये जो है नॉर्मल है, प्रेगनेंसी मास्क किसको कहते हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ख़वातीन को छाइयाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए देखिए एक डेली रूटीन स्किन का बहुत अच्छा बनाएं, एक अच्छा वाइटनिंग फेस वॉश दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, जैसे कि बीज हो गया और ग्लूटा ब्लॉसम हो गया, दिखा ले ऐसे, ये दो फेस वॉशेज़ हैं, वाइटनिंग फेस वॉश हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, हम आपको भेज भी सकते हैं, आप मुझे ऐसा करें जब आप अपना फ़ोन रखने लगेंगी तो हमारी टीम मेंबर्स को अपना एड्रेस आप लिखवा दीजिएगा, ये जो फेस कौन क्या भेजेंगी आप इन दोनों में से? देखिए मैं इनमें से इनको ग्लूटा ब्लॉसम फेस वॉश भेजूंगी, ये आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम अपने अच्छी तरह मुंह धोना है, सुबह मुंह धोने के बाद आप चाहे बाहर जा रही हैं या नहीं जा रही, आपने सनकोट सनब्लॉक यूज करना है। अच्छा। ये जेल फॉर्म सनब्लॉक मतलब लाइक चूल्हे के सामने जा रही हैं तो भी लगा, बिल्कुल, क्योंकि सुबह उठें क्रीम के बजाय आप सनब्लॉक लगाएं ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे, और ये चूल्हे के सामने जाएंगी सेकने लगेगी, आजकल बाहर तो नहीं जा रहे और बाहर के लिए भी बहुत अच्छा है, गर्मी आ गई है, जेल फॉर्म में आपको बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगी। फिर आपने रात को सोने से पहले एक अच्छी नाइट क्रीम, ताकि नाइट में आपका रिपेयर होता है, आपने कोई भी एक या हाई टोन है, मेलानोडर्म है, फॉर मेलाज्मा, कोई भी नाइट क्रीम प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी लगा के आप सो जाएं, विद इन अ वीक यू विल फील द डिफरेंस, विद इन अ वीक आपके जो है मेलाज्मा और स्किन की टू टोन्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, मैंने भेज क्या रहे हैं? हाँ, मैंने भेज रहे हैं एक फेस वॉश, हाँ, एक हाई टोन क्रीम एंड एक सनकोट। वाओ जी, तो चलें जी, आपको तो डॉक्टर का चक्कर भी बचा, वैसे भी कोई क्लिनिक आपको खुला हुआ नहीं मिलता तो ये हम आपके लिए, आप बस अपना एड्रेस प्रॉपरली हमारी टीम मेंबर को लिखवा दें, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस साहब की तरफ आते हैं, पिंपल्स अप हो जाएं, दवाइयां तो बता दी गई हैं, अब अगर फर्ज करें बहुत सारे लोगों को दवाइयां मुयस्सर नहीं हुई और नहीं वो ले पाए, तो हम घर में किचन से अपने क्या कर सकते हैं? जी मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, सुहागा सबको पता है, सुहागा आपने लेना है छोटा सा टुकड़ा, उसको आपने तवे पर जैसे हम खेल कर लेते हैं, फुला लेते हैं, वो कर लीजिएगा। साथ में मैं एक क्रीम बनाना बता रही हूँ, जब तक ये खेल हो जाए तो दूसरी चीज़ें, चावल का आटा अब सब घरों में मौजूद है, जी जी, ठीक है, तो हमने लेना है चावल का आटा 1 चम्मच, घर से ही हमें मैदा लेना है वो लेना है 1 चम्मच, ठीक है, ठीक है, और इसमें हम हल्दी मिलाएंगे, हल्दी आपने लेना है तकरीबन इतना 1/4 टीस्पून। अच्छा, अब इन तीनों को पहले तो आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, सही है, जब भी आप कोई दो चीज़ मिलाएं पहले तो उन दो चीज़ों को मिक्स कर लें, ठीक है, फिर तीसरी चीज़ ताकि ये यकजा हो जाए। अच्छा, ठीक है, हो गया। इसको मैं जैसे हमें क्रीम बनाने के लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिएगा, ठीक है, और उसको जेल को मिलाकर इसको आपने क्रीम बना लेना, तो ये आपकी एक्नी की, इसमें हर किस्म की एक्नी की जो है ना क्रीम तैयार हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा, आपने एलोवेरा जेल लेना है, यहाँ थोड़ा सा ख़त्म हो गया तो मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ, मगर आपने जो घर में देख रहे हैं उन्होंने एलोवेरा जेल में ही इसको क्रीम बनाना, ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी हर किस्म की एक्नी के लिए, इसमें एक्नी बुल्गेरियस हो, चाहे पस्सी दाने आपको हो रहे हैं, चाहे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, मीलिया के अलावा, सही है, जो अगर एक्नी की कोई भी किस्म है, और एक्नी अक्सर निदा हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होती है, या अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो तो भी होती है, पानी की कमी की वजह से होती है, जो माथे पे एकदम दाने भर जाते हैं वो आपकी खुश्की की वजह से डैंड्रफ गिरती है। अच्छा, बैक पे भी होती है, ये पूरे कंधों के पीछे एक अजीब सी ना दाने छोटे छोटे हो जाते हैं, अगर आपके बैक निशान भी दे जाते हैं वो भी इसकी वजह से होती है, वन ऑफ द रीजन इज दिस। अच्छा, एक रीजन ये हो सकता है, ये देखें, ये आपकी क्रीम बन गई, इसमें एक चीज नहीं गई है, सुहागा को हमें खेल करना है, क्योंकि बोरेक्स है, ये क्या करेगा, ये खींच के आपकी एक्नी को, आपके पोर्स को बंद करने में आपकी मदद वगैरह वाली चीज भी निकलेगी, तो ये जब सुहागा फूल जाएगा तो आपने ये ज्यादा नहीं लेना। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब अद्वियात में ये इस्तेमाल होता है, तो ये ज्यादा नहीं लेना, ये 4 से 5 चावल के दाने के बराबर लेना है। अच्छा जी, बिल्कुल चुटकी छोटी सी, और फिर इसको पीस के इसमें डाल देना है, और ये आपकी क्रीम देखे ये बन गई, जैसे उसको पीस के हम डालेंगे एलोवेरा जेल के साथ। अच्छा। ये आपकी एक्नी की घर में नेचुरल क्रीम तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, कॉटन बर्ड लेकर, जो उससे हमने थोड़ा थोड़ा जैसे इस तरह करके लेके जहाँ जहाँ आपकी एक्नी है उसके ऊपर आप लगा, इतना पूरा आपने पूरा लेप की तरह लगा, लेप बिल्कुल, ये स्टार्च डालने का मकसद ही ये था कि ये सारी चीजों को ये लगाएं और कितनी देर छोड़ें फिर एक्नी के ऊपर। आपने जब भी कोई भी चीज लगाना है ना तो हमेशा पहले 5 मिनट दें, फिर 10 मिनट इस तरह कर करके बढ़ाते रहे। अच्छा। और फिर रात को लगा कर सो जाएं,
और जो है ना सुबह आप जो है अपना फेस वॉश करें। फेस वॉश कर लें। क्या लगता है दाने इस तरह अगर हों तो कितने दिनों के इस्तेमाल से वो ख़त्म हो सकते हैं? देखिए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी है, ठीक है, ये आपकी सुपरफिशियल लेयर में दानों को रोक देगा। कभी ऐवे ही निकल आते हैं ना वो वाले, तो वो तो आप यकीन करें जब सुबह ये ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छे आपके इसको ड्राई कर देगा, एक्ने को ड्राई कर देगा, और जाहिर सी बात है जब चीज ड्राई हो जाएगी तो दिनों में खत्म हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आपने कहीं जाना है सुबह आपके कोई मुंह पे दाने नहीं निकले, रात में आपको मच्छर काट गए और कुछ नहीं है इधर, तो मेरे तो चार पांच सुबह शो है, कोई स्पेशल शो, कोई जबरदस्त मुझे लगना है, कोई सामने बड़ी हसीन लड़की का इंटरव्यू करना है, तो उस दिन चार मच्छर काट जाते हैं मुझे यहाँ। अच्छा, जब मच्छर काटने वाली चीज है ना, तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि आपने क्या करना है, सादा प्याज का अर्क निकाल के थोड़ा सा कॉटन बड में ला के लगा ले, उसमें होता है सल्फर, सही कहें, और बस प्याज का अर्क, प्याज का अर्क कभी भी आपके चेहरे पे दाने नहीं निकालेगा, बाल नहीं निकालेगा। जैसे लोग कहते हैं ना अरे प्याज का अर्क चेहरे पे लगाएंगे तो बाल ना आ जाए, क्योंकि प्याज के अर्क से तो बाल, क्योंकि नेचुरोपैथी में जो चीज़ें हैं वो अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह ने सिख, अल्लाह की तरफ से हैं, तो उनको पता है कि यहाँ बाल अल्लाह ने नहीं दिए तो वो भी नहीं देगा, अल्लाह ने यहाँ बाल दिए वो यहाँ बाल देगा, यहाँ बाल नहीं देगा। तो अगर ये अगर किसी को लगता है कि वो लगाने से बाल आएंगे तो ये आपको लगता है जहाँ जहाँ मच्छर ने काटा हुआ है उधर आप प्याज का पानी थोड़ा थोड़ा लगा लें। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ है कि सुबह अपना स्प्यूटम, बिल्कुल, अपनी जो आपकी राल टपकती है वही उठा के लगा, बिल्कुल लगा दें, पहला लो जी, बिल्कुल, ये सुन्नत सुन्नत है। अच्छा, बल्कि दांत के लिए भी, दांत के लिए, हाँ दांत। अच्छा जी, यहाँ एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हुमैरा। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, बहुत अच्छी है, प्लीज मेरी बात सुन लें। जी सुने, सुनाए। लाइन को ड्रॉप मत करवाइएगा। अच्छा, अल्लाह रहम करे भाई, क्या हुआ, खैरियत? हुमैरा, हुमैरा तुम इतना डरा देती हो, तुम्हारी लाइन खुद ही ड्रॉप हो गई, डर के मारे ना, और क्या। देखिए, अच्छा मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो खास प्रोग्राम हमने सजाया है वो इस ब्यूटी और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, बाल, स्किन, नेल्स, हाथ पांव, स्किन, तो ये इसी से रिलेटेड सवाल जवाब करें। पता है दूसरे लोग भी लाइन में बैठे हुए हैं और फिर उनका टाइम वेस्ट ना करें, कोई और बात करनी हो तो आप अपना मैसेज हमारी टीम के पास छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? ओके जी, जी सर। जी जनाब, मैंने जैसे भी आपसे कहा कि अगर हम स्किन को साफ रखेंगे, अपनी क्लिनजिंग बहुत अच्छे से करेंगे, हाँ, तो उसके बाद हमें ये दाने या ब्लैक हेड्स नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से एक्ने वगैरह नहीं होगा। अच्छा, रोज क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, लाइक सिंपल, आपने ये दूध लिया, हाँ, उसे किसी भी बोल में डाल लीजिए, हाँ, और कॉटन बड ले लीजिए। अच्छा, और उससे लगाइए और उसके बाद वॉश कर दीजिए। अच्छा, दूध से सबसे मिल्क सबसे बेहतरीन क्लेंजर है। ओके, हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, सादा सिंपल दूध है, हाँ, आपने लिया और अपने पहले अपने फेस वॉश करें, उसके, हाँ, बाद ये सारा लगा दीजिए और उसके बाद धो दीजिए, ना सिर्फ आपकी स्किन की टोन आहिस्ता आहिस्ता लाइट होनी शुरू हो जाएगी, स्किन फ्रेश होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन चीज है। दूसरी चीज ये कि अगर किसी को जैसे अच्छा मतलब सूट करता है, लोग ऑयल इस डर से नहीं लगाते कि हमारे चेहरे पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्नी है तो उसकी वजह से ऑयल लगाएंगे तो और ज़्यादा एक्नी बढ़ेगी। अब हम मेकअप रिमूव करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें। अच्छा, आपने गए हैं, आपने हल्का सा कोई भी डैम्प टिश्यू हल्का सा गीला किया, उसको निचोड़ने के बाद अच्छी तरह मार लिया, साफ करिए, उसके बाद मैं तो यहाँ से जाऊँगी, आप कोकोनट ऑयल लूँगी और सारा अच्छी तरह रब कर दूँगी और थोड़ी देर बाद जाके वॉश कर लूँगी, हाँ, ऑयल से सब छूट गया, हर चीज़ सारी साफ हो जाती है, बल्कि लैशेज नहीं ख़राब होंगी, आपकी आईब्रोज नहीं ख़राब हो जाएंगी, आपकी स्किन नहीं ख़राब होगी, वो जो ड्राइनेस आती है, वो जो लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं, ड्राई पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और स्किन ईवन रहेगी, ईवन रहेगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें अगर हम इस तरह करें, इसी तरह ये मिल्क के साथ भी है। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मेरे घर में जैसे एक्नी हो तो बच्चों को जो इस्तेमाल करवाती हूँ बच्चियों को स्पेशली, वो ये है कि जैसे मैंने इसमें ज़रा सा आप देखें कोकोनट ऑयल लिया, अच्छा, ठीक है, हाँ। ये बहुत जो ख़राब ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और उसके बाद वो एक्नी बननी शुरू हो जाती है, ये उसके लिए आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक पहले वाइट हेड्स होते हैं, आप उसको इग्नोर करते रहते हैं, स्किन पे हाथ मारो तो हल्के हल्के दाने से महसूस होते हैं, उसे ज़रा सा प्रेस करें तो उसमें से वाइट सा मवाद निकलता है, वो अगर रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो कील बनते चले जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। अब उनको रिमूव करने के लिए सबसे इसमें मैंने टी ट्री ऑयल डाला, अच्छा, टी ट्री ऑयल बिल्कुल 2-3 कतरे डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। आपने ये लिया, कोई भी चीज़, कोई कॉटन ले ली और उस पर आपने रात को लगा दिया ऐसे करके ना, जैसे ये आपने लगा दिया बस, दैट्स इट, कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स बस, ये मिक्स करके आपने लगा दिया। इससे क्या होगा,
कि वो खुद ब खुद सुबह सॉफ्ट होके बाहर आ जाएंगे और स्किन पे दाग नहीं दे सबसे ज्यादा, क्योंकि टी ट्री ऑयल डाला हुआ है तो स्किन पे दाग नहीं दे। ओके, टी ट्री नहीं है तो आप किनू का तेल जो हमारे पास मिलते हैं, क्या नाम है, एसेंशियल ऑयल्स, उसमें आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल लेकर आ जाइए, वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये है कि टी ट्री से ये फर्क पड़ेगा कि आपकी स्किन पे वो जो ब्लैक सा निशान है, जैसे अभी आपने कहा कि कमर पे सारे दाने होते हैं और उसके बाद वो बहुत गंदे निशान छोड़ते हैं, डैंड्रफ गिरने की वजह से, या बच्चों को आदत है पढ़ते हुए हाथ मार रहे हैं तो उससे जो माथे पे निशान आते हैं वो डैंड्रफ गिरती है, फिर उस पर छोटे 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 कील्स आते हैं और वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने बाल आगे रखना शुरू कर देते हैं उसको छुपाने के लिए, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन, बहुत मुफीद। एक कॉलर भी मेरे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शमीम है चित्राल से। जी शमीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शमीम, क्या सवाल करेंगी, किससे करेंगी? जी मेरे बाकी के चेहरे पे दाने निकलते हैं। आपके किसके चेहरे पर भाई? बाबी के। अच्छा पता है, जब मुझसे बात करो टीवी की वॉल्यूम बंद कर दिया करो, वरना वो भी तुम सुन रही होती हो ये भी सुन रही होती हो तो टाइम वेस्ट होता है। आपकी भाभी को दाने निकलते हैं तो आपकी भाभी को ज्यादा दाने निकलते हैं, और कब से निकल रहे हैं? तकरीबन एक साल हो गया, उसके बाद दाने कम हो गए, एक छाइयां रह गई हैं। अच्छा, दानों के निशान रह गए हैं कि छाइयां अलग से रह गई हैं? नहीं, दानों के निशान रह गए हैं। अच्छा, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? चित्राली आती है तो मैं चित्राली में बात। चित्राली आती है आपको? जी मैं चित्राल से हूँ। तो चित्राली गए ना कंद, क्या मतलब कि तू क्या रसन दाना निशान शने को, दाना निशान शने को इस बोने हाउल बोने हते थे नी की योरो? हाँ सिचुएशन की ना, हाँ दाना निशान क्या होते रे संतु, इस गड़ा थे नो बिछे नहीं को इस निशान से निशा? नो नो दानों के ना घड़े तो नहीं है या निशान है? तो कह रही है नहीं, काले निशान रह गए, दाने खत्म हो गए, छाइयां नहीं है, दानों के निशान रह गए, दानों के निशान। अच्छा ठीक है, तुम हो अभी, तुम चली गई हो? हेलो, नहीं नहीं हूं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, तुम्हारी भाभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? रुको, हाँ क्या हो सकता है? दानों के निशानों के लिए जो है मैं इनको एक डिफरेंट जेल दूंगी। अच्छा, दानों के निशानों पे सिर्फ लगाएं तो स्पॉट्स भी खत्म होंगे। हाँ। और जो भी रेस्ट पिंपल है, जैसे आपने कहा कि मेरा शो होता है रात को ओवरनाइट निकला, तो आप ये डिफरेंट जेल जो है उस सिर्फ स्पॉट पे जेल, डिफरेंट जेल ये निशानों के लिए, निशानों के लिए और दानों के लिए, एक्टिव एक्ने के लिए, तो निशानों को भी खत्म करता है 1 वीक में, और विद इन अ डे जैसे रेस्ट पिंपल होता है उसको बिल्कुल बिठा दे। तो हम तुम्हारी भाभी के लिए ये भेज रहे, तुम अपने चित्राल का एड्रेस मेरी टीम के पास नोट करा दो, ठीक है? तुम्हारे भाभी के लिए आ रहा डिफरेंट, क्या नाम है इसका, डिफरेंट जेल, डिफरेंट जेल भेज रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आपके आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग स्किन हेयर तो हमसे बात करें, हमसे पूछें, हम आपको गाइडलाइन देंगे और बहुत सारी टिप्स एंड टोटकास भी देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमें और हम आपके लिए बाहर निकले, आज ज़ारा भी आई हैं, सलमा भी आई हैं, बिल्किस भी आई हैं, तो लेकिन और निदा भी आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी हमें देख के बाहर निकलना शुरू हो जाएं। हम आपकी खातिर निकले इसलिए कि आप घर पे बैठे, यहाँ तक कि हम आपको दवाइयाँ भी घर पे पहुँचा रहे हैं, और क्या चाहिए और बताएं। अब ये ना कहिएगा कि सौदा ख़त्म हो गया, सौदा भी भिजवा दें और कुछ बचा है ना। तो जी हम बात करें स्किन के ऊपर और स्किन से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉलर से बात कर लें, उनके क्या मसाइल हैं उनको ज़रा देखते हुए फिर आगे अपने शो को बढ़ाते हैं। निगत हैं के पी के से जी, खैबर पख्तूनख्वा से। अस्सलाम वालेकुम निगत, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम। निगत को क्या मसला है स्किन का भाई? मेरी बेटी है, उसकी उम्र 13.5 साल है, उसके चेहरे पर काले और भूरे तिल हैं, उसका कलर वाइट है पर तिल बहुत ज़्यादा है। अच्छा आप कह रही हैं कि आपकी 13.5 साल की बेटी है,
उसके चेहरे उसका कलर सफेद है और उनके चेहरे पर तिल नहीं होते जो ब्राउन या ब्लैक तिल होते हैं, भर गया है कह रही है तिलों से, वो इसलिए भर गया है जितनी फेयर स्किन होगी उतना जो है ना उसको डैमेज सन करता है, हीट और सन उसको बहुत ज्यादा डैमेज करता है, तो उसके लिए सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये जो तिल हो गए मुंह पे उसका क्या, उसी की वजह से आप देखें जितने भी अंग्रेज हैं उनके मुंह पे क्यों बहुत ज्यादा तिल होते हैं, जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा उतनी आपकी स्किन सेंसिटिव है और सन से डैमेज होने की इट्स प्रोन टू डैमेजिंग। तो इसमें ये कि आप सिर्फ सनब्लॉक यूज़ कराएं उसको अच्छी तरह, पूरा पूरा दिन सनब्लॉक यूज़ करें वो अच्छा, तो उसके ये तिल और निशान ऐसा ऐसा खुद ही ख़त्म होंगे। सिर्फ हीट वेव्स की वजह से लाइट्स में भी देखें ना आपकी सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिव स्किन है, लाइट स्किन है, आप सनब्लॉक यूज़ कराएं, बच्ची है तो मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक कोई भी अच्छा ले लें और उसको वो पूरा दिन यूज़ कराएं, तो इससे तिल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा ऐसा स्किन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। कोई आपके पास चीज़ है? बिल्कुल, देखिए सन जेल, सन सेलेस सन ब्लॉक है, बहुत सारे सन ब्लॉक है, सोलर मैक्स बल्कि इट्स अ क्रीमी सन ब्लॉक, ये यूज कराएं पूरा दिन, सुबह दोपहर शाम इसको सन ब्लॉक यूज कराएं, रात को कोई अच्छा मॉइस्चराइजर कोई भी लोशन, क्योंकि 13.5 साल की है, सोलर मैक्स सन ब्लॉक हम उनको भेजते हैं, ये यूज कराएं, इनके ऐसा ऐसा तिल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये हम अपना एड्रेस जो है वो मेरी टीम को लिखवा दें, ये सन ब्लॉक हम आपको पोस्ट कर रहे हैं सोलर मास्क, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, अच्छा ये तो तिल का जवाब हो गया, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कहीं इधर उधर रह गए, आपने एक चीज बताई थी टी ट्री वाली, टी ट्री ऑयल, मैं पूरा आपको प्रोसेस बता रही हूँ, जैसे आपने टी ट्री ऑयल और कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के आपने रात को लगा दिया, सुबह आप उठ के अपना अपना चेहरा वॉश किया, बहुत ज्यादा बहुत पुराने वो कहते हैं ना फंसे हुए और सख्त जान कील हैं, तो उसको उसके लिए आपको स्टीम लेनी पड़ेगी, एक दफा ये कर लेंगे तो उसके बाद यही प्रोसेस आप रखेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। इसकी जैसे अभी देखिए मेरे जितने हैं तो अगर मैं रात को ये लगा लूं कोकोनट ऑयल एंड टी ट्री, टी ट्री लगाएं और उसके बाद सुबह उठ के ये हल्का सा भी प्रेस करें, आप अपना कोई भी स्क्रब ले लें, स्क्रब एक मैं बताने लगी उसको स्क्रब करें, आप अपना क्लिंजर यूज करें, उसके बाद एक मास्क दे रही हूँ, ये आप अपनी रेगुलर 2 से 3 दिन के बाद आप यूज कर लिया करें तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ रहा करेगी और आपको कभी ये तकलीफ नहीं हुआ करेगी। ठीक है तो क्लिंजर के लिए मैंने आपको दूध बताया, आप खीरे का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो घरेलू हैं आप इजीली यूज कर लें, टमाटर पे शहद लगा लें, उससे भी स्किन ना सिर्फ टाइट होती है ग्लो आता है बल्कि आपकी क्लिंजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, केले का छिलका, केले जैसे आजकल हम फ्रूट की तरफ जा रहे हैं तो बनाना आपने खा लिया तो उसके छिलके को अंदर की तरफ से आप उससे सारा चेहरा साफ कर लें तो वो क्या स्क्रब का काम करेगा, वो भी क्लींस मतलब साफ कर देगा आपकी स्किन। अच्छा, ठीक है, अब जो स्क्रब की बात है, मैं बहुत ज्यादा बेसन पे फोकस रहता है मेरा, लोग मुझे कहते हैं बेसन के अलावा भी यूज कर लेंगे, आप इसमें जौ का आटा भी यूज कर सकते हैं, चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, चावल का आटा मेरी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, जौ का आटा बिल्कुल ठीक है जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बचपन से बेसन यूज करती हूँ इसलिए मैं ये और क्या मिला रही हूं मैं बेसन के साथ आपको ये दालचीनी का पाउडर ऐड करूंगी, ठीक है, उसमें आप जरा सी कॉफी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपको एक स्क्रब बनाकर दे रही हूं, ये आप इस्तेमाल करें, कॉफी दालचीनी का पाउडर और बेसन, ये आपने बेसन डाल दिया, ठीक है, और इसमें आपने 1/2 टीस्पून के करीब अगर दालचीनी का पाउडर डाला और बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी डाली, ठीक है, और ये आपने दही के साथ इसको और कॉफी भी तो कह रही थी, कॉफी भी डाल, कॉफी मेरे पास पहुंची नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स डिपेंड, आपने दालचीनी डाल दी तो आपके दाने खत्म हो जाएंगे, ठीक है तो ये मतलब एक मैंने वैसे बता दिया कि अगर आपने वो भी डालना है तो बहुत अच्छा है, वो भी मास्क बहुत अच्छा है, आप ये ऐड कर लें, पानी नहीं डालना आपने सिर्फ। अच्छा, ये मर्दों के लिए भी है क्योंकि मैं इस वक्त औरत और मर्द दोनों के लिए पूछ रही हूं। दोनों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ बेसन या चावल का आटा या जौ का आटा जब आप लगाते हैं जो चीज हम कहते हैं आप लगाने के बाद इसको ड्राई होने देती हैं खवातीन, उसके बाद आप गीली फिंगर्स पोर्स बस गीले करें फिंगर टिप्स अपनी और उसे हल्का हल्का मसाज करना शुरू करें तो आपके जो आपने कहा अनवांटेड हेयर वो भी कम हो जाएंगे, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मर्द हजरात दाढ़ी वाले हिस्से पे मत करें, अच्छा ठीक है, क्योंकि उनकी दाढ़ी के बाल झड़ जाएंगे फिर वो मुझे कहेंगे ये क्या बताया है आपने। अच्छा, ये आपने कर लिया, इसमें आपने हल्दी, मैंने इसमें दालचीनी डाली, हल्दी डाली, बेसन डाला और दही के साथ मिक्स कर लिया, अब इसको मैं हल्का हल्का यूं करके लगा के सारा छोड़ दूंगी, जैसे ये ड्राई हो जाएगा, जैसे ड्राई हो गया तब मैं इसको रब करना शुरू करूंगी, ठीक है, ये बिल्कुल ड्राई होके आपकी स्किन से रिमूव हो जाएगा, तो उसमें उससे ये होगा कि आपको सारी स्किन भी आपकी साफ हो जाएगी और उसके बाद आपको ये डेड स्किन आपकी रिमूव होगी, ब्लैक हेड्स आई से रिमूव होगी, आपका कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी होगी, सबसे बड़ी बात है जब आप दही डालते हैं तो आपकी स्किन
एक टोन लाइट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये आपकी जितनी जो टैनिंग वगैरह उन सबको काटती है, दही टू टोन स्किन है उसको भी काटेगी। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, एक चीज और हो रही है यहाँ पे, मैंने कहीं नींद पड़ा था कि जब मैं घर में दाखिल होता हूँ तो मेरी बीवी हसीनो जमील लग रही होती है, लेकिन ये पहले की बात थी। अब जब मैं घर में दाखिल होता हूँ तो मेरी बीवी सिर्फ जमील लग रही होती है, और ये मजाक की बात है। उसकी रीज़न ये है कि मुंह पे जो बाल ख़वातीन के थे जिनको वो वैक्स कराने सलोन जाया करती थी या थ्रेडिंग कराती थी, अब वो नहीं जा पा रही हैं, तो वो उनको वो अब वो वाली बात है कि इतने अनवांटेड हेयर मुंह पे जमा हो गए, उसके लिए हम क्या करें, ये मैं एक कॉलर से बात करने के बाद आपसे पूछती हूँ। डॉक्टर बिल्किस जी, अस्सलाम वालेकुम राहिला, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी राहिला, क्या हुआ राहिला, खामोश क्यों होती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, मेरी आवाज आ रही है राहिला? जी बिल्कुल आ रही है जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है आपको? उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज्यादा बाल है और पिंपल्स भी आ जाते हैं। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इनको प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से इनके फेस पे अनवांटेड बाल और दाने भी आ जाते हैं, तो उसके लिए तो कुछ चेकअप वगैरह होगा, क्या होगा? उसके लिए अल्ट्रासाउंड ही होता है, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो इनको कंफर्म हो गई। पहले तो ये है कि हम देसी टोटके ही करते थे, बट अब जो बहुत सारी बच्चियों को हो गया चिकन की वजह से, हर चीज में स्टेरॉइड्स की, हार्मोन्स की वजह से, तो फिर मेडिकली भी हम लोगों ने एक साशे निकाले जिनसे कहते हैं डिल्सन साशे, वो रोजाना आप आधे ग्लास पानी में डाल के साशे पिए, उस पे ओवरीज पे जितनी भी स्वेलिंग होती है और इरेगुलर साइकिल होती है वो सब ठीक हो जाती है। डिल्सन साशे, डिल्सन स्पेल करेंगी? DILSON, डिल्सन साशे। एक बॉक्स में 10 साशे आते हैं, वो 6 वीक्स का आपको कोर्स करना है, रोजाना एक आधे ग्लास पानी में डाल के एक साशे आप पिए, तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन 10 डेज आप अपना डिफरेंस, जितने भी आपका फूलापन है, स्वेलिंग है बॉडी पर, फेस बहुत स्वेल्ड है, अनवांटेड हेयर्स है, वो खत्म होंगे। और चिकन का इस्तेमाल कम से कम करें, आप मटन बीफ खा लें, देसी चिकन खाएं, सब्जियां खा लें, बट चिकन जो है ना नॉर्मली वो ना खाएं। वॉक जरूर करें, 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, पानी का इंटेक ज्यादा, और डिल्सन साशे, DILSON, उसमें फॉलिक एसिड और ये सब चीजें मौजूद होती है, तो वो अच्छा रहता है। बिल्कुल, वैसे भी नॉर्मली फॉलिक एसिड खाना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ हर लड़की को 13 साल की उम्र से फॉलिक एसिड का इंटेक करना चाहिए। कितने खाने चाहिए गोलियां? 2 टैबलेट्स अ डे, 2 टैबलेट्स, सिंपल, जो सिंपल वाली फॉलिक एसिड है 2 टैबलेट्स अ डे खाएं तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है जी, हम अनवांटेड हेयर पे बात कर रहे थे जी। ठीक है, वो मैं बता देती हूँ आपने क्या करना है। आपने देखिए, अनवांटेड हेयर भी रीज़न हो सकता है पीकॉक्स का, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स का भी हो सकता है, आपके दूसरे हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब है तो हो सकता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ तो हो सकता है, तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इलाज लाजमी है। अच्छा, एक टिप ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके मतलब के बच्चों में अनवांटेड हेयर ना आए, तो वुलन जो होता है, ये ऊनी कपड़ा जो होता है, जब बचपन में आप उसको निलाते हैं तो जो स्क्रबिंग करनी है वो ऊन वाले कपड़े से करनी है, उसका एक ग्लव्स ले लें आप, ताकि बच्चों को स्क्रब करें तो जो उनके बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर आगे आइंदा ना हो, तो ये बहुत बेहतरीन एक टिप है कि बचपन से आप आदत डालें कि वो इस्तेमाल करें ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा, ठीक है। अच्छा, अब नहीं कि आप लोगों के हैं तो, क्योंकि बाल इतना सख्त हो जाता है कि वो आपके होम रेमेडी आपकी मदद करती है, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअली, ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसे भी हो वो भी बता सकती हैं आप, कि लाइक वैक्स के बाद कोई ऐसी चीज लगा ले जिसकी वजह से तुरमुस जो है ना, तुरमुस के बीज। अच्छा, ये तुरमुस के बीज हैं, आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, तो तुरमुस के बीज पीस कर उसको जो है आप या तो बेसन में या घर के आटे में मिक्स करके उसको लगाया करें, नहीं तो कुस्ते शीरी तुरमुस इनको मिक्स करके लगा लें। एक और बूटी आती है दमा बूटी, दमा बूटी आती है हमारे चित्राल में, उसका पुरु बनाया जाता है जिससे आपकी स्किन भी अच्छी होती है, तो उसको आप, मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत पहले बताया जी। तो दमा बूटी को जैसे आप उसको खोल के देखें, क्योंकि पंसार के पास वो बहुत पुरानी होती है, जब अगर आप खोल के देखेंगे उसमें बिल्कुल अगर आपको मरून कलर का पाउडर नजर आए तो वो आपकी दवा है। अच्छा। अगर वो बिल्कुल ब्लैक हो गया होगा तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा। बस वो उस पाउडर में थोड़ा सा घर का आटा मिलाकर आप लगा लें, उससे भी फर्क पड़ता है। अब जैसे बच्चियां हैं और आप लोग उनको स्क्रब करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाल ना आए घर में, अभी इस वक्त लॉकडाउन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो घर की चीज़ों से मैं बता रही हूँ कि अनवांटेड हेयर को कदरे कम कैसे करें। आपने घर से लेना है मैदा, मैदा
जी आपने लेना है मैदा, ये आपने लिया 2 चम्मच जी, आपने 1 चम्मच भर कर घर से हल्दी ली। अच्छा 1 चम्मच भर के पूरी भर कर हल्दी ली आपने, सही है? हाँ। और इन दोनों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया, मैदा और हल्दी। मैदा और हल्दी, ठीक है, ठीक है, 2 चीजें हैं, आपने इनको मिक्स कर लिया। और इसमें जो है अगर खाने का सोडा है तो आपने खाने का सोडा जो है वो आपने 1/4 टीस्पून जितना डाला, फिर इसको मिक्स किया, सही है? अगर इंग्रेडिएंट जैसे बताया जा रहा है इस तरह करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है? इसको गूंदना किस में? शहद में। शहद में, अच्छा जी, सही है। शहद चीजें हैं, हल्दी, मैदा और शहद, ठीक है, ठीक है। और इसको आपने उसके बाद फिर ये जब आपकी मिक्सचर बन जाएगा तो ये आप अपने फेस पे लगाएंगे? जी फेस पे लगा के क्या थोड़ा डैम्प फेस करेंगे या क्या? देखिए ये बन रहा है, आप इसकी चिपक आप देखिएगा, ठीक है, लोही की तरह हो जाएगा। तो ये क्या फेस पे लगा के छोड़ें या आप स्क्रब करते रहें? लगा के छोड़ दें पहले, तो आपने इसको ऐसे करके अच्छी तरीके से पहले मिक्स करें, अभी तो शहद इसमें और जाएगा, ठीक है? बनाया, लगाया, छोड़ दिया, तो ये जाहिर सी बात है थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा, सख्त सा हो जाएगा, ठीक है? जब ये सख्त सा हो जाए तो आपके घर में मेथी दाना भी होता है, ठीक है, मेथी दाने का पानी बना लें। उस मेथी दाने के मेथी दाने का पानी आप कैसे इसको चाय की तरह बनाएं? नहीं, हाँ बिल्कुल उबाल लें इसको ना, जैसे आपने उबाला, हाँ इसमें थोड़ा सा पानी तो है, तो आपने इसको उबाल के इसका देखिए ये पानी निकल गया, ठीक है, सही है, हाँ। अब मैं क्या करूँगी, अब बाल हैं तो फिर पहले तो जिस अगर मेरे बाल ऐसे हैं कि इस डायरेक्शन में, अच्छा। तो मैंने ऊपर से नीचे लेप किया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में बाल हैं आपने लेप उसी तरह से करना, ठीक है, मगर जब आप निकालेंगे तो आप डायरेक्शन बदलेंगे तो फिर नीचे से ऊपर, हाँ मेथी दाने के पानी से इस तरह करके आप निकालेंगे ऐसे सर्कुलर मोशन में, जो निकल गए ठीक है, आपने जोर नहीं लगाना, बालों को तोड़ना नहीं है, दाने नहीं बनाना, ठीक है? जो एक कॉलर भी है आपके लिए डॉक्टर बिल्किस, उनसे बात करती हूं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। समरा थोड़ा मोबाइल दूर करो वो फोन से, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है लेकिन मोबाइल से बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो आप क्या बिल्किस से क्या पूछेंगी आप? नहीं मैं ना वो ये जो आपकी वो दूसरी वाली डॉक्टर आई है ना जिनके पास वो दवाइयाँ, अच्छा ज़ारा, मेरे मुंह पे जी मुंह पे ना दाने निकले थे। अच्छा आपके मुंह पे दाने निकले थे जी, तो उनके ना निशान रह गए। अच्छा दानों के आपके मुंह पे निशान रह गए, कितने दिन पहले निकले थे? तकरीबन 1-6 महीने से पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, और अभी तक दाने आपके मुंह पे नहीं है, निशान छोड़ गए हैं बस, अब दाने खत्म हो गए, ये कह रही हो? आईज के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है। अच्छा आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और दानों के जो निशान हैं वो रह गए हैं, ठीक है। देखिए आंखों के डार्क सर्कल्स के लिए मैं आपको एक आइलॉक्सिल जेल है वो भेजूंगी, आपने फिंगर टिप पे लगा के, रात को पड़ा आइलॉक्सिल जेल, आइलॉक्सिल हमारे पास पड़ा, दिस इज आइलॉक्सिल जेल, अच्छा ये सैम्पल्स हैं इसके, आपने थोड़ी सी आइलॉक्सिल जेल लेनी है और उसको अराउंड द आईज, पूरे अराउंड द आईज लगा के सोना है रात को, अच्छा तो आपकी डार्क सर्कल्स और जो पफनेस है वो खत्म हो जाएगी, विद इन अ वीक यू विल फील द डिफरेंस। और एक्ने के निशानों के लिए मैं आपको एक्ने वाइप जेल भेजूंगी, वो भी हमारे पास, एक्ने वाइप, एक्ने और वाइप मतलब वाइप, ठीक है, तो वो आपने दानों के निशानों पे लगाकर सोनी है तो उससे आपके दानों के निशान खत्म हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है याद से अपना एड्रेस हमारे पास लिखवा देना ताकि ये चीजें तुम्हें पहुंच जाए इंशाल्लाह, ठीक है? और फिर ये यूज करना और बताना कि तुम्हारे तुम्हें फर्क पड़ा कि नहीं, और रेगुलरली फिर तुम यूज करो ये जो आप चीजें भेज रही हैं, जब ये खत्म हो जाए तो फिर दोबारा इनको शुरू की जाए। देखिए अगर आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाए तो फिर यूज करने की जरूरत नहीं है, और डार्क सर्कल्स के लिए आप थोड़ा अपना ख्याल भी रखें, पानी का इनटेक, 8 घंटे प्रॉपर नींद, स्ट्रेट 8 आवर्स अगर आप नींद करें, स्ट्रेस ज्यादा ना लें तो डार्क सर्कल्स होंगे नहीं, नॉर्मली तो डार्क सर्कल्स नहीं होते अगर आप नींद पूरी नहीं करें, पानी का इनटेक कम है, स्ट्रेस ज्यादा है तो उस वजह से होते हैं। विद इन 1 मंथ यूज करें और उसको अपनी आदत ना बनाएं, आदत ना बनाएं, ठीक है? ठीक है ओके, तो हम हमारे वो जो ये अच्छा इसका जो कंसिस्टेंसी जो आपके नापसंदीदा बाल आपके फेस पर हैं उनसे छुटकारे के लिए ये मैदा, हल्दी, शहद और थोड़ा सा खाने का सोडा, ये 4 चीजें मिलाकर, और जब आप इसको उतारेंगे तो आप मेथी दाने के पानी से उतारेंगे और ऐसे देखें
मतलब कि ये चीज़ें ना स्किन फ्रेंडली भी होती है. मेथी दाने का पानी आपके एक्नी को, मतलब जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं उसको निकलने भी नहीं देगा. अच्छा, लेकिन खुदारा आपने पाम यूज़ नहीं करना, आपने जो मैं बता देती हूँ जैसे इस तरह करके लगाया है ना, तो आपने फिंगर्स, ये फिंगर टिप ही यूज़ करना है. इससे हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से हीट ज़्यादा निकलती है. सही. और शिफा वाली चीज़ें पोर्स जो है ना यहाँ से फिंगर के, हाँ, फिंगर से. तो ये आपने फिंगर से करना है और अपनी स्किन समझ के करना है. और ये आपकी स्किन, आपकी जो गिलाफ है अल्लाह ताला ने, आपका जो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी स्किन, ये आपकी हमेशा के लिए है. तो ये समझ के करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आप अपनी स्किन को ख़राब कर सकते हैं कि बस निकले ही निकले. हाँ. ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल सूखने दीजिएगा. हाँ. जब ये सूख जाए तो जैसे इस तरह करके फिर सर्कुलर मूवमेंट में निकालिएगा. जो बाल निकल गया निकल गया, निकल जो रह गया फिर आप हफ्ते में एक दफ़ा और कीजिएगा. अच्छा, एक और सवाल मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आपको कहीं बाहर निकल के जाना होता है तो अपने बाल भी ब्रश करते हैं, और आपके बाल ब्रश करने की वजह से आपकी मतलब आपके सर में एक मूवमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो बाल सही रहते हैं. लेकिन अभी क्वारंटाइन की वजह से आपने एक दफ़ा बाल बना लिए तो जूड़े चुटकी लगा ली और वो ऐसे ही आप सारे दिन घूम रहे हैं. मुझे ऐसा फील होने लगा, हाई मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, ऐसे ज़्यादा झड़ रहे. और मेरी बेटी को भी, और जो हमारी लाइक जो फ़ोन पे बात हो रही मेरी बहनें या मेरी देवरानियाँ, उनके के बाल झड़ रहे हैं. तो क्या वजह है, क्या ब्रश कम करने की वजह? स्ट्रेस भी एक वजह है. हाँ, ओवर ईटिंग भी एक वजह है. देखिए, बालों की ग़िज़ा जो है वो प्रोटीन है. बालों को अगर अगर आपका आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, आपका जिगर सही काम सही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा चीज़ों को, किसको हाँ. क्या देना है किसको क्या देना है, नहीं देगा तो बाल गिरेंगे. हाँ. तो सर आप सही कह रही है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को यहाँ तेज़ करना है. तो अगर हमारी पैथी में लें तो आप दालचीनी थोड़ा सा लेकर जैसे इसको उबाल लें लौंग के साथ, वैसे ये खाने के लिए भी बहुत अच्छे है. ये लगाने के लिए इसको स्प्रे बॉटल में भरकर ना स्प्रे करें बालों के अंदर. इरिटेंट है ये, सर्कुलेशन को ज़्यादा तेज़ करेगा तो आपके बालों की एक्सरसाइज हो जाएगी. अच्छा, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो मैं आपसे भी एक कोई टिप लूँगी हेयर फॉल के हवाले से, और कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़ आप भी बताएगा कि क्या वजूहत और हो सकती है हेयर फॉल की. एक छोटे से वक्फे के बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. आप कॉल्स कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि जो आपको रिगार्डिंग स्किन, हेयर, नेल कोई प्रॉब्लम, कैसे आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप हमारा शो जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि आज हम आपको मेडिसिन भी आपके घर तक भेज रहे हैं, ताकि आपको घर से निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े, और जो चीज़ें आपके घर में हैं उसे इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन, हेयर, नेल्स और बाकी चीज़ों का मसला हल कर सकें. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हेयर फॉल पर, जो कि अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, और क्यों गिर रहे हैं, क्या वजूहत है, क्या टोटके हैं, वो भी बताएंगे हम आपको. लेकिन इससे पहले कि मैं इस चीज़ पर बात करूं हेयर फॉल पर, एक कॉलर हमारे साथ है, कुरुतलैन उनका नाम है, और कुरुतलैन ने एक बहुत बेवकूफ़ाना काम किया है. कुरुतलैन, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुमने क्या कर दिया है कुरुतलैन? बस हो गया, शादी होने वाली है इनकी, और इन्होंने फॉर्मूला क्रीम लगा ली शादी से पहले, जरा मैं चिपक जाऊं. और क्या हुआ तुम्हारे साथ कुरुतलैन? अब मेरी ना निदा आपकी ओपन पोर भी हो गए हैं, पिगमेंटेशन भी है, और वो मेरे ना कलर भी डार्क हो गया है. पहले बिल्कुल ठीक था मेरा फेस, ग्लोइंग भी था फेस पे, ग्लो भी नहीं है, और मेरा कलर भी डल हो गया है. प्लीज कुछ बता दें, मेरी शादी है इसके कब है? ईद के बाद है. चलो शुक्र है, अभी टाइम है, है ना. हाँ, क्या हो सकता है, क्या कैसे सही करें? कुरुतलैन सबसे गलत काम किया स्टेरॉइड क्रीम लगा के, क्योंकि जैसे ही वो छोड़े उसके बाद बहुत ज्यादा मलाजमा, स्किन खराब, एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज इनकी शादी होने वाली है तो इनके लिए हम कुछ स्पेशल पैकेज बनाएंगे ताकि स्किन ग्लो भी करे, पोर्स भी टाइट हो, स्किन पे थोड़ी फ्रेशनेस आए. फिर हम इनको पूरा ग्लूटामैक्स का सेट देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था शादी के लिए. तो ग्लूटामैक्स सोप मैं आपको भेजती हूँ, ग्लूटामैक्स कैप्सूल्स भेजती हूँ. आप रोजाना कैप्सूल्स खाना शुरू करें, उससे आपकी स्किन वाइटनिंग भी होगी, पोर्स भी टाइट होंगे, स्किन रिजेनरेशन होगी क्योंकि स्किन खराब हो गई है. और एक नाइट क्रीम भेज रही हूँ ताकि आप नाइट क्रीम यूज करें, आपकी स्किन कलर टोन सही हो, पोर्स बंद हो, स्किन साफ रहे.
सोप 3 टाइम यूज करें, रोजाना कैप्सूल, यूटामैक्स का पूरा सेट, ये पूरा सेट है जी। तो इसमें सोप आ गया, इसमें सोप आ गया, कैप्सूल आ गए 1 मंथ के, और नाइट क्रीम आ गई, ओ व्हाइटनिंग क्रीम आ गई रात के लिए, ये अपना आपका सोप भी आ गया और ये कैप्सूल आ गए। तो भाई आपको ये पूरा किट हम भेज रहे हैं, आप अपना जो एड्रेस है वो हमारी टीम के पास लिखवा दें। और मांगो, क्या मांगती हो? ये हमने इनकी शादी का तोहफा दे दिया, शादी का तोहफा आपको मिल जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो जी हम हेयर फॉल पे बात कर रहे थे, आप दोनों में से कौन तैयार है हेयर फॉल को डिस्कस करने के लिए? दोनों है, दोनों तैयार हैं, दोनों तैयार हैं जी। सलमा आप क्या बता रही हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि ब्रश करते हैं तो प्लीज अगर ये मजीद जो 15 अप्रैल तक हम लोग हैं घरों के अंदर, थोड़ा सा चेंज करने वापस आ जाएं। मुझे लगता है ये जैसे मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह से, और मेरे बाल आप देख रहे हैं जो कटे हुए हैं, उसकी भी वजूहत मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये कि उसने जब वो ब्रश कर रही थी और मैं कंघी कर रही थी, तो उसने मुझे कहा आपके बाल नहीं गिर रहे और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो मैं कहा मुझे लगता ये है कि उतनी ब्लड सर्कुलेशन बालों की होती नहीं है ब्रशेस से, आप कितने या तो बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ करेंगे और वो स्टील की पिंस होती हैं जो सर में आप लगाते हैं, वाई नॉट आप कंघी इस्तेमाल करना शुरू कर दें और दिन में 4-5 दफ़ा अपने बालों को खूब अच्छे से कोम किया करें। दूसरा ये कि रात को सोने से पहले बेड की साइड पे आप लेटें और सर को थोड़ा नीचे की तरफ झुका दीजिए और उसको अच्छी तरह कोम करें। अच्छा। या आगे चेयर पे बैठें, सर खूब आगे की तरफ झुका लें और उल्टे साइड पे पूरा कंघा करना शुरू करें, या बैडमिंटन खेलने, क्योंकि आपको बार बार झुक झुक के शटल कॉक उठानी होती है तब भी आपका सर नीचे। ये देखें कि ब्लड हमें कहती होती थी, अम्मी कहती होती थी इन्होंने भी खाना खाना, इन्होंने भी कपड़े बदलने, तो इनका तरीका ये है कि आप इन्हें नहलाएं धुलाएं अच्छे से और इनकी कंघी किया करें। तो वो दबा के जो माएं करती थी उससे बालों में ब्लड सर्कुलेशन थी, बालों में एक चमक होती थी, बाल मजबूत होता था। अब हमारे बाल खुल रहे थे, अम्मी सर की मालिश करती थी जोर से, जोर जोर बिल्कुल। और हमने इतनी ज्यादा चीजें जो आपको बताई है, बिल्किस ने बताई है, मैंने बताई है, ऑयल्स बताए हैं, प्लीज आप उनको यूज करके देख लें। मैं फिर बता रही हूँ, आजकल आप फारे बैठे हुए रात में लूडो खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठे हुए, तो सिर्फ आप एक इतना सा अदरक का टुकड़ा ले लें, उसे पूरा छीनने की जरूरत नहीं, ऊपर से काट लीजिए और उसको यूं करके ना सारा किसी भी बारीक फोर्क के साथ आप उसे पोक कर लें और ब्लड सर्कल ये देखें सर्कुलर मोशन में आपने यूं यूं किया, आप देखेंगे सर पे लगाएं ये बिल्कुल आप जड़ों के अंदर, और ये गील ये जैसे ये हल्का हल्का गीला ना, जैसे इसका पानी खुश्क होना शुरू किया इसको दोबारा से अच्छी तरह गूंद लें, अच्छी तरह गूंद लें। और दूसरी ये कि ये पूरे सर की जड़ों के अंदर आप करें, इसे पूरी रात लगा रहेगा, आपको कहीं नहीं जाना, आप हल्का सा झाड़ के कंघी कर लें, इसकी स्मेल भी नहीं रहती। लोगों को इतराज़ होता है हमारे बालों में से बहुत बुरी स्मेल आएगी, इसकी स्मेल नहीं रहती, थोड़ी देर बाद इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आपके बालों की जड़ों को बहुत मजबूत कर देगा। अच्छा। वो जो आपके बालों का गिरने का इशू है वो खत्म हो जाएगा। और इसको आप आजमा के देखिए, एक फर्श के ऊपर खड़े होने के बाद आप बाल झाड़िए और देखिए कि बाल कितने गिर रहे हैं, उसके बाद ये करना शुरू करें, ये आप रोज करें, रोज करें डेली, आप बैठे हुए फोन पे बात कर रहे हैं करें, आप टीवी देख रहे हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं करें, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं साथ साथ ये करें, तो उसमें ये हो जाएगा 20-25 मिनट्स आपने ये किया, एक ये बालों की मालिश हो गई और बालों को एक गिज़ा मिल गई। उसके बाद आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद जब आप कंघा करेंगे तो बाल बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे फर्श के ऊपर, तो आपको वहीं से अंदाज हो जाएगा, फिर आप इसको नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरा इसका तरीका ये है कि आपने इसका जूस निकाल के रख लिया, आप ब्लेंडर में डालिए अदरक का, हाँ, और उसको खूब अच्छे से निचोड़ लीजिए कपड़े के साथ, उसका जितना फोक जो बचेगा कपड़े के अंदर उसको आप भंडिया में इस्तेमाल कर लें। पानी जो है 1 कप अगर आपने पानी लिया है अदरक का तो 1 कप ही आप सरसों का तेल या खोपरे का तेल जो आप ऑयल यूज करते हैं उसके अंदर मिक्स करके रख लें और वो अपने बालों में लगाना शुरू करें। अच्छा, वो बहुत बेहतरीन आपके हेयर फॉल, आपका हेयर फॉल, आपके बाल मजबूत हो जाएगा। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ और वो डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम निदा आपी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बोलो निदा आपी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। मुझे उनसे पूछना था कि मेरे बालों में ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ था, ओ, तो वो बढ़ता गया लेकिन वो एक टाइम पे ऐसा फील हुआ कि शायद वो खुदा ना खास्ता सोराइसिस है। अच्छा। वो स्किन के स्कैल्प में इतना लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने टेस्ट करवाया बाकायदा लैब से तो वो फिर पता चला कि नॉर्मल कोई एलर्जी है और फंगस हुआ हुआ है, नॉर्मल है, वो डेंजरस वाला नहीं है। लेकिन अभी भी जो है वो 2-3 दिन में अगर कोई क्रीम वगैरह कुछ लगाती हूँ स्किन के डॉक्टर से लेकर तो वो 2-3 दिन तक रहता है, फिर क्रीम अगर छोड़ दो तो फिर वापसी हो जाता है। तो तुम्हारी ये स्किन पर है या तुम्हारे बालों में? तो मुझे समझ नहीं आई। नहीं अभी सिर्फ बालों में है, सिर्फ बालों। अच्छा बालों में भी कान के पीछे एक साइड पर है।
अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता या किडनी का कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, मैदा वगैरह सब सही है? जी बिल्कुल सही है, सब सारे टेस्ट करवा लिए मैंने। अच्छा सब टेस्ट करा लिए, एलर्जी वगैरह कुछ नहीं है? जी ब्लड में सिर्फ आयरन ब्लड में एलर्जी। अच्छा कितना? ब्लड में आयरन ज्यादा आता है तो इसलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप आयरन वाली कोई भी चीज मत खाइएगा। ठीक है। अच्छा मतलब आपने, आप डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई है, उन्होंने आपके माउथ पे भी देखा है, अंदर कोई काला निशान नहीं, इधर कोई काला निशान, कुछ भी नहीं है, आप ये कह रही है ना? ठीक है। आप टेस्ट कर लिया जी। अच्छा अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे आयरन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगी, पनीर बूटी ले लें 3 अदद, वो आयरन की कम, आयरन को कम नहीं करेगा लेकिन उसकी मकदार को सही करने में मदद करेगा। 3 अदद आपने लेना है पनीर बूटी, एक छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है उशबा मगरबी, ठीक है? लिखती जाए आप। उशबा मगरबी जिसको सारसा पीला भी कहते हैं, इसकी दवा भी आती है, ये ब्लड थिनर भी होता है। और आपने लेना है 1 चम्मच चरायता नेपाली, ठीक है? अब इनको आपने मिट्टी के प्याले में डालकर उसके पे 1 कप पानी डालकर रात को ढक दे, सुबह आपने ये पानी पी लेना है, ठीक है? आपने पानी जो उसका छान के पी लिया और जो बूटियाँ बच गई उस पर आपने दोबारा पानी डालकर उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको स्प्रे बॉटल में डालकर ये आप जो है सर की जड़ों में लगाएंगी, सर की जड़ों में लगाएंगी, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी जलन भी हो, ठीक है? आपने पहले इसको लगा लिया, उसके बाद चाहे तो आप कुकिंग ऑयल भी घर से लेकर लगा सकती हैं। 15 मिनट बाद आप अपना सर धो लेंगी और ये वाली जो जो मैंने आपको बताया ये आपने डेली करना है, रोज़ाना करना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, ग़िज़ा में मीठा कम कर दें। एक और बूटी आती है दमासा बूटी, दमासा बूटी आपने लेना है 5 ग्राम और दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद इसका कहवा बना के पीना है, तो ये बोन मैरो के सारे जो नुक्स होते हैं वो ख़त्म होगा, तो जो आपका आयरन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है उसको सही करने में आपकी मदद करेगा, मगर ये आपने 6 महीने पीना है, ठीक है? जी ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, हम कहाँ थे, मैं तो भूल ही गई, इतनी सारी बूटियों के नाम देख देख के सुन सुन के ना। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमें, हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमें स्मेल का इशू होता है बालों के लिए, जो बाल बहुत ज़्यादा घने, चाहे वो आपके आईलैशेस के बाल हैं और ये चाहे आपके सर के बाल हैं, आपको होता है ना कि मजबूत हों, खूबसूरत हों, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, लहसुन है। लहसुन, लहसुन को आप या तो अगर आप इसकी स्मेल बर्दाश्त कर लें, ये चंद दिन कर लें तो उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जाना ही नहीं है, अभी तो जाना नहीं है घर में, सबसे बड़ी बात है उसका, मैं इसकी स्मेल को एक दूसरे से रोज देख रहे हैं और अभी लहसुन की बदबू, आपको लगाने का तरीका बता दी हूँ, जमील से जमाल से जमील हो गई है, देख लिया आप जमीला से जमील तो हुई हैं, तो आपने हसीन और जमील होना, तो आपने वापस होना, तो फिर उसके लिए सबसे अच्छी तरीका बालों के लिए, जहाँ तक मैंने आज तक इस्तेमाल किए, मेरी बेटी ने कल मेरे बाल काट दिए, 3 दिन हुए, उसने कहा कि मामा आपने किधर जाना है, ये ट्रिमिंग हो रही थी 2 इंच की, तो उन्होंने 10 इंच की कर दी, लेकिन ये कि साथ में समझ गया अब आप अपने बाल लंबे करें, अब आपके पास भी 7 दिन है, मैं कह 7 दिन नहीं है 14 दिन है मेरे पास, अब देखो मैं बालों का क्या करती, तो मैंने सबसे पहले तो लहसुन छील के, अब बालों के अंदर सरसों के तेल में पीस के कच्चा लहसुन तो मैंने बालों में लगाया, तो वो समझ गए थे कि ये क्या कर रही है, स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन जब मैंने बाल वॉश किए, वॉश करने के बाद बिल्कुल जैसे ये एक ढकना है, आपने सिरके का ले लिया या आपने लेमन जूस का ले लिया और लास्ट डोंगा जो आप बालों में डालते हैं उसके अंदर डाल दें। अच्छा, एक दफ़ा डालें, 2 दफ़ा रिंस कर लें, बालों में चमक भी आ जाएगी और ये बालों में से हर तरह की अंडे का या लेमन स्मेल खत्म हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसे कच्चा लहसुन ब्लेंड कर लें सरसों के तेल के अंदर या खोपरे के तेल के अंदर, वो लगाएं अपने बालों पे, अपनी आईलैशेस पे, आपके बाल, आंखों के बाल, सर के बाल बेहतरीन खूबसूरत और मजबूत होंगे, या अदरवाइज आप इसको जला लीजिए। आपने ये चंद जवे लिए, आपने इसमें ऑयल डाला, इसमें आपने 2 से 3 या 4 लौंग डाल लीजिए और कोई भी ऑयल डाल लीजिए और इसको अब आप जला लीजिए, बकायदा ब्लैक कर लें, बिल्कुल जला लीजिए। जलाने के बाद आप ये ऑयल यूज करना शुरू करें। ओके, इससे भी फायदा, इससे भी बालों को फायदा। अच्छा, और इसमें की बदबू नहीं आएगी? नहीं, इसमें से फिर लहसुन वाली वो वाली स्मेल नहीं आएगी। नहीं है। अगर वो एक चीज जो खुशबू की बात करें, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जैसे कड़ी पत्ता भी जलाएंगे ना तो एक अजीब सी स्मेल आती है उस ऑयल के अंदर, तो वो कड़ी के पत्ते की स्मेल है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना पता चले वो नहीं है। इसी तरह जब इसके साथ लौंग होंगे तो स्मेल खूब अच्छी हो जाएगी। आपको बाल जड़ अगर डाल दिया जाए ना, तो जितनी भी अगर मतलब की आंवला और बाल जड़ और सिकाकाई, आप कोई भी
जैसे तेल बना रहे हो उसमें डाल दिया जाए, पहले पानी में उबालें सारी जड़ी बूटियों को, फिर इसमें तेल शामिल करके हल्की आंच पे पकाएं, तो आपके तेल से कभी भी बदबू नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना, चाह रही हूँ कि खुश्की के बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि खुश्की हो जाती है उसकी वजह से बाल भी आपके बहुत डल लगने लगते हैं, बहुत हेयर फॉल होता है। खुश्की जो है नॉर्मली क्या है, फंगस है, फंगस होता है तो खुश्की हो जाती है। उसके लिए ये कि अगर आप टोटके नहीं इस्तेमाल कर सकते, खासतौर पर आदमी वो टोटके इस्तेमाल करने से थोड़ा गुरेज करते हैं, तो उनके लिए कैमिनॉल शैम्पू है, रोज़ाना ये इससे वॉश करें, बिल्कुल खुश्की नहीं होगी और जैसे पैचेस बन जाते हैं खुश्की के, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और हेयर फॉल के लिए स्पेशली फॉर मैन, हर मर्द का 30 साल के बाद या 25 साल के बाद हेयर पैटर्न फॉल होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्प्रेज हैं, जो टोटके नहीं इस्तेमाल करना चाहते उनके लिए कैप्लम और ट्राइकोजन स्प्रे है। कैप्लम है, दिखाएं जरा सीधा, कैप्लम स्प्रे है और ट्राइकोजन, ये रोज़ाना रात को 2-3 पफ्स जहाँ जहाँ बाल कम है, जैसे बैल्ड एरिया होता है मर्दों का, उस पर स्प्रे करें, मसाज करें और सो जाएं, हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल रुक जाएगा। एंड दिस इज स्पेशली हेयर स्टिमुलेटिंग स्प्रे, जैसे आपके यहाँ स्टिमुलेशन नहीं होती है आपके सर की, तो आप ये स्प्रे करके सो जाएं। मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि खवातीन के यहाँ से बाल जाते हैं ज्यादातर फ्रंट से और मर्दों के यहाँ से जाते हैं, तो मर्दों को तो हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं कि आप जो है जैसे ही हेयर फॉल स्टार्ट हो फौरन शुरू कर दें कैप्लम, और इसका शैम्पू भी आता है, अगर आपके कैप्लम शैम्पू भी है, और खवातीन के लिए इसका कंडीशनर भी आता है, क्योंकि उनको ड्राइनेस हो जाती है शैम्पू स्प्रे के बाद, तो इसका कंडीशनर भी आता है जिससे बहुत सिल्की और शाइनी बाल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर कौन है? शबाना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी शबाना। जी वालेकुम सलाम नीदा आपी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शबाना जी, कहिए जी। नीदा आपी, मैंने आपसे बात करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, लेकिन आज मैंने आपको अपना मसला डिस्कस करना है। मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ टाइप के हैं, डैमेज हैं और गिरते रहते हैं, और इतने हल्के बाल हैं, और मेरी आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल भी हैं और छाइयां आ रही हैं, हालांकि मेरी अभी 29 और 28 के बीच में है और अनमैरिड हूँ मैं अभी। अच्छा, आपको बहुत इसके बाल बहुत ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, गिरते रहते हैं, साथ इसके डार्क सर्कल्स भी बहुत हैं, और कह रही है कि हालांकि मेरी अभी इतनी एज नहीं है, अनमैरिड हूँ और 28-29 है, तो ज़ाहिर बच्चे भी नहीं हैं। देखिए, और डार्क सर्कल्स के नीचे झाइयाँ भी हैं, लाइक स्किन की भी प्रॉब्लम है, बालों की भी प्रॉब्लम है, इनकी स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो गई है। टेंशन डिप्रेशन बिल्कुल ना ले, अपनी एक अच्छी वाइटमिन, मुझे लगता है लड़कियों को तो भी टेंशन है, शादी होगी शादी, अरे भाई शादी आपकी जिंदगी का एंड नहीं है, बहुत सारी चीजें आप और कर सकती हो, ये टेंशन होती है ना जिसकी वजह से बाल भी गिरे, सबसे पहले तो स्ट्रेस है एग्जैक्टली, जिसकी वजह से स्किन भी खराब हो रही है, आईज के अराउंड अर्ली रिंकल्स आ रहे हैं, बाल भी झड़े, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, तो सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस रिलीज करें, एक अच्छी वाइटामिन खाना शुरू करें स्किन हेयर और नेल्स की, जिससे ये तीनों मसले सही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्रीम्स को कम से कम इस्तेमाल करें, इंटरनली खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एक अच्छी विटामिन फॉर स्किन हेयर नेल्स, ताकि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट है, वाइटाजेनिक है जो जिसमें बायोटिन भी है, बालों के लिए आयरन भी है, लड़कियों के लिए स्किन हेयर नेल्स की वंस डेली विद इंक्रीज वाटर इनटेक, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और एक कॉलेजन का सोप ले लें, ताकि ये कि इनकी जो स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो रही है, इतनी अर्ली रिंकल्स, अनमैरिड को तो अर्ली रिंकल्स नहीं आने चाहिए, तो आप ये वाइटामिन खाएंगी, खुश रहेंगी, थोड़ा वॉक करेंगी, फ्रेश एयर इनहेल करेंगी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, और आप लोग भी कुछ बता सकते हैं जी खुश्की के लिए? अब मैं बता देती हूँ खुश्की के लिए भी, और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, खून की कमी, जिगर का सही काम नहीं करना, हार्मोन्स का ख़राब होना, विटामिन D3 की कमी, अच्छा ये सारी बातें भी होती है कि आप, और हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के बाल जो है ना ब्लॉन्ड हो रहे हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर हो रहे, पहले इसके काले थे, तो खुदारा अगर आपके बच्चों के बालों का कलर भी बदल रहा है, तो आपने विटामिन ज़्यादा मतलब कि देखे कि किन किन चीज़ों में, कुछ नहीं कर सकते, किशमिश मिल जाते हैं, आपने एक मुट्ठी बच्चे के हाथ में दे दें, जितनी मुट्ठी उसके हाथ में आ जाती है उतनी उसके लिए काफ़ी है, उसको पानी में उबाल कर रोज़ाना सुबह पिलाना शुरू करें। अच्छा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, खाली किशमिश खा नहीं सकते, नहीं उबाल के, ताकि वो दवा बन जाए, और वो जो बालों का कलर डल हो रहा है वो आपका सही हो जी, बिल्कुल, फिर आप इंजीर दें, जैतून दें, ये सारी चीज़ें भी हैं, और हाँ जी बिल्कुल, नेचुरोपैथी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को ज़रूर दें, हर
अल्लाह ताला से भी बाल अच्छे होते, बहुत अच्छे होते। अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे साथ इतना इंसाफ किया है कि हर चीज़ बताइए। देखिए, जो चीज़ रख के काली होती है ना, वो आपके बालों को रंग को काला करेगी। आप आंवला को रखें हरा होता है, लेकिन रखते हैं तो वो काला हो जाता है। लौकी काटें रखें तो फिर वो काला हो जाता है। लौकी दिमाग की दवा है, उसके बीज भी। मैं इसी तरह कंटिन्यू करती हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं और ये सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। वाकई बहुत ज़बरदस्त शो इस वक्त जा रहा है, सब अपनी एक्सपर्टीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि दवाइयाँ भी आपके घर तक पहुँचेंगी इंशाल्लाह। छोट से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम आपको भेज भी रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। आपको वो चीज़ें जो शायद डॉक्टर्स के पास जाके नहीं मिलें, क्योंकि क्लिनिक से सख्त नहीं ओपन है सारे, हर लाइक हर मर्ज़ के लिए नहीं आपको दवाइयाँ मिल पाएंगी। तो यहाँ बैठी हुई हैं डॉक्टर ज़ारा और वो आपको मुख्तलिफ़ दवाइयाँ सेंड कर रही हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात कर रहे हैं, मैं तो भूल गई। हम ये बात कर रहे थे कि बालों का अगर कलर चेंज होता है हाँ। तो अपनी अंदरूनी सेहत की तरफ तवज्जो दें हाँ। आप, और मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं बालों के लिए वो हाँ। बड़ा आसान किया है। जो रख के काली हो जाती हैं हाँ। तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से वो खाने के लिए बहुत अच्छी चल जाएगी बालों के लिए जी। जैसे छोटी हर जिंक का खजाना है, अगर मतलब कि वो वैसे तो जैसे दरख्त से गिर जाता है तो वो बिल्कुल काला हो जाता है, सही है ना, तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला, सीका काई, बाल झड़, हाँ। सबको देखे सब ब्लैक है। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि आप स्पिटेंस के लिए, जी स्पिटेंस के लिए बिल्कुल बता रही हूँ, उसके बहुत लिए बिल्कुल आसानी से बता रही हूँ। घर में सबके वैसलीन है, ठीक है। अच्छा, वैसलीन को ये पोर्स बंद कर देगा अगर यहाँ लगाएंगे, आपके बालों को गिराएगा। स्प्लिट एंड्स का मतलब होता है आपके ये वाले बाल यहाँ से जो टूट रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, वैसलीन लेना है और इसको जो है गर्म कर लेना है। अच्छा, सही है, मैंने ब्रेक में कर लिया था, ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसमें लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं बनाना बता रही हूँ कि स्प्लिट एंड्स पे आपने वैसलीन को गर्म किया और ये मैंने एलोवेरा जेल निकाला है हाँ। सही, प्योर एलोवेरा जेल, दोनों आप हम वजन ले लें, सही है, सही है। दो चम्मच अगर आप एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो दो चम्मच जो हाँ, पिघला वैसलीन है वो, जी वो ले लें हाँ। इसमें आपने शहद डालना है, शहद, सही है। अगर शहद नहीं कितना? तो एक चम्मच, अगर शहद नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, घर से चीनी उठाए उसका शीरा बनाए वो डाल दें, ओके, ठीक है हाँ। इनको अच्छी तरीके से जैसे हम केक के लिए अंडे की सफेदी को बीट करते हैं, ऐसे बीट कर लें ताकि ऑयल और जो वाटर कंटेंट है वो तकरीबन यकजा हो जाए, ठीक है। जब ये यकजा हो जाएगा तो आपकी स्प्लिट एंड्स की दवा तैयार हो गई। आपने इसको लेकर ऐसे ऐसे करके पूरे बालों में लगा लेना है, जड़ों में नहीं लगाना है, सिरों पे लगाना है। लगाने के बाद आप कोई क्लिप कर दें, टाई अप कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, रिंस होने में थोड़ा सा ओवियस, इसमें वैसलीन है तो आपने क्या करना है कि सिरका लेना है, घर का ही सिरका, आप जो है उसको थोड़ा सा लूक वार्म वाटर में डाल दें, पहले वो सिरका बहाएं। अच्छा, ताकि जो चिकनाहट है वो सिरके के साथ चली जाए, ठीक है। उसके बाद आप शैम्पू कर लें। आप ये करके देखिएगा, जो आपके स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं वो स्लो एंड ग्रेजुअली आप ये ऐसे एज अ बाइंडर आपके बालों को जोड़ देगा। आपने इसमें डाली है वैसलीन, शहद और एलोवेरा जेल, ये तीनों आपने मिक्स करके बालों में लगाया, थोड़ी देर छोड़िए, 15-20 मिनट छोड़े, जी 15 से 20 मिनट छोड़े हाँ, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा क्योंकि ये वैसे नहीं उतरेगा पानी से इतने आराम से जी, तो आप सिरका मिलाकर पानी में, और पहले सिरके से बालों को, सिरका और पानी यानी डाइल्यूट करके सिरके को आप उससे बालों को रिंस करेंगे, फिर हम शैम्पू कर ले तो आप देखेंगे कि आपका जो एक तो स्प्लिट एंड्स का एक वजह बालों का उलझने से भी होता है कि बाल अगर आप नहीं बनाते, उलझे हुए बाल ऐसे हैं तो फिर स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी बचाएगा, बाल खिला खिला रहेगा। और मैं आपको जैसे हम चेहरे पे करते बुटॉक्स कर लेते हैं हाँ। तो ऐसे आपको हेयर बुटॉक्स बता देती हूँ कि आप अपने बालों को कैसे खिले खिले रखेंगे। नहाने से पहले कीजिएगा या नहाने के बाद, अगर बहुत ही आपके बाल ऐसे है ना झाड़ू की तरह हाँ। झाड़ू के तिनके की तरह टूट टूट के गिर रहे हैं, आपने घर से लेना है दूध, सलमा दूध देना, आपने लेना है दूध और बहुत आसान है। अच्छा, दूध कच्चा हो तो अच्छा है, अब कच्चा तो मिल नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, आपने 2 चम्मच दूध लेना है, उसमें आप रोज़ वाटर या पानी मिला लें, सही है, मैं रोज़ वाटर मिला रही हूँ
है, नहीं तो आप पानी मिला लें और आप थोड़ा सा शहद डाल दें इसको स्प्रे बॉटल में डालकर, ये आपके बालों को सीधा करने में आपकी मदद करेगा। और आप ये रोज़ाना पूरे बालों में अच्छी तरीके से बालों को पिलाएं, थोड़ा सा शहद डालें। अच्छा, मिकदार का ख्याल रखिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर मतलब के दूध जो है वो सही नहीं है या आपका शहद सही नहीं है तो थोड़े से आपके बालों में ऐसा लगता है जैसे अकड़न सी आ गई है। और ये आप ये स्प्रे करते जाएं, बाल बनाते जाएं, स्प्रे करते जाएं, बाल बनाते जाएं, आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। अच्छा। और फिर जैसे आपको शाम में तकरीब में जाना है, आपने ये कर लिया, दोपहर में आपने कर लिया, शाम में आप जो है सर धो के चले जाएं तो आपके बाल काफी मैनेजेबल हो जाएंगे। उसके बाद आयरन भी आराम से हो जाएगा, वो फ्रिजीनेस जो होगी वो थोड़ा सा फ्रिज को खत्म करने में मदद करेगा। मेरे साथ एक कॉलर जी, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी है निदा आपकी? मैं ठीक ठाक, मुझे आपका नाम नहीं समझ, चंदा। ओ हो मेरी चंदा, क्या पूछेंगे चंदा आप? फ्रॉम सरगोधा जी। चंदा निदा आपकी, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत आपका शुक्रिया यार, मेरी जान। हाँ जी, और मैं आपको और आपके जो गेस्ट आते हैं उनको सल्यूट करूंगी। इतने मतलब लॉकडाउन में भी ये लोग हमारे लिए टाइम निकालते हैं, आते हैं हमें, आपका शुक्रिया कर रही है। नहीं नहीं, बस हम लोग निकले हैं घर से आप लोगों के लिए, आप घर पे ही रहिए। और हमें इतना उसका बेनिफिट हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे आपकी सेहत सलामत रहे। क्या सवाल करना चाहेंगी? हाँ जी, डॉक्टर बिल्किस से मैंने पूछना था। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं। कुछ ही हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर बिल्किस, मैंने आपसे ये पूछना था, मेरी अम्मी के कमर पे कीलॉइड है। कीलॉइड है, ओके। हाँ जी, इसका कोई है इलाज वगैरह? और दूसरा ये कि मेरे भी कान पे बन गया, मैंने कान से धोया तो पता नहीं कोई इन्फेक्शन की वजह से बना है या क्या है, ये मैंने पूछना था क्यों बनते हैं और इसके कोई है? देखिए कीलॉइड जो है ना वो बन जाते हैं, ये जो है ऑटो मतलब कि इसका इलाज एलोपैथिक में हमारे पास भी नहीं है, इसको हम रोक सकते हैं कीलॉइड को, वो गोश्त की तरह बन के अक्सर होता है, ये ऊपर होते हैं। क्या ये होता है कीलॉइड? गोश्त का टुकड़ा सा बहुत उभरा हुआ, कभी लिपोमा कहते हैं उसे, वो ऐसा होता है जैसे लगेगा रेड रेड सा और ना पूरा उभरा सा ऊपर दाने फूल की तरह। जी, बड़ा मस्सा नहीं होता, मस्सा नहीं होता, उसका स्क्वायर शेप होता है, उसका हमेशा स्क्वायर शेप, लेकिन मस्सा टाइप जैसे कोई जैसे दाना सा खराब हो जाए या फिर कोई सर्जरी खराब हो जाए, एक ऐसे टर्न ऑफ सा इतना बड़ा सा रेज सरफेस। अच्छा, तो उसका कोई वो नहीं है? उसका होम्योपैथिक में इलाज है, बहुत लंबा है, और तिब्बे नबुई में भी है, वो भी मैं बता देती हूँ। सुरमा आपने लेना है 1%, 99% आपने जैतून का तेल लेना है, सुरमा का पत्थर जो है वो 1% लेना है और 99% आपने लेना है जैतून का तेल, उनको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इसको आप 2 हफ्ते तक रख देंगे, उसके बाद आप लगाएंगे। एक और चीज़ है, अगर आपके घर में पुराना फ्रिज है तो उसकी जो बर्फ़ जमती है वो बर्फ लेकर आप जो है किलोइड पे लगा लें। हाँ। तो हाँ जी बिल्कुल, तो ये पीछे भी हो जाता है, बैक में भी, नाइट्रोजन गैस कहलाती है, नाइट्रोजन गैस, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाइट्रोजन गैस कहलाती है और इसी से जो है किलोइड को श्रिंक करने में जी, तो हमारे पास भी किलोइड का इलाज ट्रीटमेंट नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हो सकता है कि मैं गैस का नाम सही नहीं बता रही, लेकिन वो वाली बर्फ जो है वो बर्फ लेकर आप लगा लें, आप देखिए हाइड्रोजन गैस होती है, नहीं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वो जो हम लोग इश्तहारों में यूज करते हैं ना, फ्रिज खोलते हैं तो एकदम धुआं सा निकल रहा होता है, एक्चुअली वो वाली बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है फ्रीजर के अंदर, तो अक्सर वो बड़ी सॉफ्ट वाली होती है, तो उसको आराम से बच्चे पहले भरते होते थे ग्लास में, जिसको मना किया गया था। ये पुराने नहीं, हमारे पास जो फ्रिज है मैंने पुराना वाला ही लिया हुआ है, इसलिए मेड जो है वो बहुत गड़बड़ करती है, तो वो फ्रिज की सफाई हो जाती है क्योंकि बर्फ उसमें जम जाती है। हाँ। वो मेरे पास जो फ्रिज है नया, वो पुराने जमाने का भी मिल रहा है आजकल। हाँ। नहीं, नहीं, वो तो वो बहुत अच्छा तरह, उसमें कुछ दिनों बाद बर्फ जम जाती है और उसके बाद वो ठंडा नहीं करता जब तक आप फ्रिज साफ ना करें, तो मैंने इसलिए वो लिया है कि मेरे फ्रिज टाइम पर साफ हो जाए। अच्छा, इसके साथ मोर पंख जड़ी बूटी आती है, उसको पीस कर आप थोड़ा सा उबाल लें, उबाल के उसका पानी का स्प्रे बना के रखें, मोर पंख से ही थूजा दवा बनी हुई है होम्योपैथिक की, और किसी अच्छे होम्योपैथिक के पास और सिम्टम्स बताकर आप इलाज कीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई है
प्रैक्टिकली मैं अपने पेशेंट्स को करवाती हूँ और उनको बहुत फर्क फायदा होता है, बहुत फर्क। जिनके कान कोई छेद लेता है फिर इतना सर बन जाता है, सर्जरी डॉक्टर सर्जरी की लॉइट में मेरे ख्याल में मना करते हैं क्योंकि वो होकर नहीं सकते सर्जरी, वो दोबारा निकल आएगा, दोबारा निकल आएगा, दोबारा निकल आएगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी मदद करेंगी। और लाइफोमा का इलाज भी बताएं। हाँ जी, एक मेरी कॉल है, लाइफोमा का इलाज बताएं। मैंने इनको लाइफोमा का इलाज बता चुकी हूँ, मैंने कहा सुमलो बूटी आप खाती रहें, और किसी को भी लाइफोमा अगर है तो अलसी के बीज पीस कर और उसको जैसे उसको थोड़ा सा पानी डालकर और वहाँ जहाँ लाइफोमा है वहाँ लगाकर पट्टी बांध दे। अच्छा। तो उससे ऑपरेशन करा लें, जान छुड़ाएं, नहीं पट्टी बांधे वो बांधे। असल में बात है कि एक टाइम आता है कि वो सर्जरी के लिए आपकी कोशिश होती है कि भी बेहोश ना करना, लेकिन ये मैंने पूछा इसलिए डायरेक्ट। भी बहुत मजा आता है बेहोश होने। नहीं अच्छा, निदा पूछने की असल वजह ये है कि अक्सर जो मेरे पास कॉल्स आती हैं वो मैं डायरेक्ट बिल्किस के लिए दे देती हूँ, और मैं लोगों से ये बात कहती हूँ क्योंकि लाइपोमा के लिए ये है कि आप सोचते हैं कि डेड टिश्यू है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लटका रहे पड़ा हुआ है, हमें कौन सा इरिटेट कर रहा है, वो तंग नहीं करता, लेकिन जब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है उस पर विंदर, तो प्लीज़ जाके डॉक्टर पे दिखाएं। और बिल्किस के पास बहुत सारे पेशेंट गए हैं और उन्होंने बाद में मुझे बताया भी हमारा ट्रीटमेंट हो गया है, हमें इलाज ऑपरेशन के आप हो जाता है। नहीं, लेकिन अगर देखें मैं बहुत ज़्यादा अपनी लेंथ लाइन को देख के चलती हूँ, अगर मैं ये देखती हूँ कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है तो मैं मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल दवा देती हूँ, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे लगता है कि मेरे हाथ से निकल रहा है तो फिर मैं उनको सिंसियरली मशवरा देती हूँ आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक, लेकिन लाइपोमा का हमारे नेचुरोपैथी में इलाज है। ठीक है। अच्छा जी, हमें देखें एक ज़माना होता था, मेरे नाखून इतने लंबे होते थे, जब भी मेरी अपनी बहन से लड़ाई होती थी तो मैं इसी को औजार समझ के इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब नाखून नहीं बढ़ते, टूट जाते हैं, ज़रा सी भी बिस्तर की चादर सही करो और उसको इंसर्ट करो अंदर, नाखून टूट गया, चिप हो गया, मेरे वो नाखून मुझे वापस चाहिए, उसके लिए बताएं क्या करें। उसके लिए सबसे पहले तो किसी को भी लोचना हो तो खुराक का भी ध्यान रखें, पानी का भी ध्यान रखें। इसका छोटा सा चीज़ ये कि जैसे आपने डाइट स्टार्ट किया तो आप देखेंगे आपके नेल्स चिप होना शुरू है ना, आप लंबे कर लेते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बिल्कुल कागज़ के मानंद हो जाते हैं। इफ अगर वो ज़रा थोड़े से सख्त भी हैं, जैसे आपकी साख हड्डी की बोन की सख्त है और वो जरा के स्ट्रॉन्ग से लगते हैं, लेकिन ये कि चिप बहुत जल्दी होंगे, इतनी जल्दी यहाँ से टूट गए वहाँ से ड्राई हो, शेप ही नहीं रहता। आप मुझे कोई दवाइयाँ बताइए फिर उसके बाद, फिर आप कोई टिप्स दीजिए इस तरह हम नेल्स के ऊपर। वी हैव अ नेल पेंट, ओनिकोनिल नेल पेंट, नेल पेंट है, आप इसको रोज बफिंग करें और ये नेल पेंट लगा दें, इट्स लाइक अ शाइनर, ये आपके नेल्स को मजबूत भी करेगा और अगर नेल्स में कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि फंगस हो जाता है कोई प्रॉब्लम है उसको भी ट्रीट कर देगा और आपके नेल्स को स्ट्रेंथन करके और नेल्स बढ़ेंगे भी आपके। अच्छा। तो रोजाना इसके साथ बफर भी आप बफिंग करें हल्का सा, ताकि क्या नाम है इसका, ओनिको नेल पेंट, ये यहाँ से मिल जाएगा आराम से, इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में और हमें पता ही नहीं है। देखिए ये आराम से आप रोजाना रात को घर जाएं जाके बफिंग करें, बफिंग ना भी करें तो नेल पेंट लगाएं, शाइनिंग से हो जाएगा और आपके नेल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसी चीज है जो हम नेल्स के लिए? देखिए मेडिसिन तो स्किन हेयर नेल्स की विटामिंस बहुत सारी आती है, सारी कंपनीज जो है बनाती है स्किन हेयर नेल्स की, जैसे मैंने ये भी दिखाई थी एक मेरे पास ऑलरेडी है, और भी सारी हर मेडिकल स्टोर पे आप जाएं स्किन हेयर नेल्स की जो है नेचर एंड बाउंटी की आती है, बहुत सी जीएनसी की आती है, सारी विटामिन्स है, स्किन हेयर नेल्स की एक विटामिन लें अगर आप स्पेशली डाइट करें, डाइटरी सप्लीमेंट और नेल पेंट लगाएं दो फेस से बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जैसे मुझे पुराने जमाने की बात याद है, लहसुन से अपने नाखूनों को रगड़ लें, लहसुन से जी पुराने जमाने में ये बात होती थी, ये बिल्कुल वो बिल्कुल सही है, लहसुन का भी इस्तेमाल, और लहसुन के अलावा एप्रिकॉट बहुत अच्छा है कि आपने कोई भी तेल लेके घर से कोई भी तेल लेकर आपने अच्छी तरीके से सर्कुलेशन तेज करना है, और जैसे डॉक्टर साहबा कह रही है हेयर नेल स्किन की अद्वियात खाने से आपकी स्किन पे और आपके नाखूनों पे फर्क पड़ता है। और घर में आप टीवी देखते देखते या निदा का प्रोग्राम देखते देखते आपने क्या करना है, थोड़ा छोटा सा सुहागा जो है उस 2 से 3 चावल के दाने के बराबर दूध में डाल लें और पिंच आप जो है हल्दी डालें, और ये आपके बहुत अच्छा सा एक वो तैयार हो गया, इसको मिक्स करें और इसमें जो है ना अपने नाखून डिप कर दें, सुहागा हल्दी और दूध दूध। अरे वाह,
अब तो हमें किलो पेट्रा बना रहे हैं, कभी आप बाल भिगो रहे हैं दूध में, कभी स्किन पे क्लेंजिंग करा रहे हैं, कभी हाँ बस ये है ना, या दही का पानी ले लें, दही का पानी या दही का पानी ले लें या वो कर लें। और ये वाला तरीका हाँ। है इसमें आपने 5 मिनट डिप करना, हाँ 5 मिनट के बाद निकालना इसको। फिर मुझे जलन होती है, मर्दों के नाखून इतने अच्छे बढ़ जाते हैं और मतलब मर्दों को लंबे नाखून नहीं चाहिए और हम लोगों के इतने खराब, ये क्या चक्कर है? उनके बहुत जल्दी बढ़ते हैं और हमारे सारे खराब क्योंकि हम डाइट बहुत करते हैं, मर्द डाइट नहीं करते। मैं अभी यही कहने वाली थी कि मर्द गोश्त में भी बड़े शौक से खाते हैं, उनको मिल जाता है, उनकी जो डाइट है, उनका जो खुराक है, गंदम का इनटेक है, वो नाखूनों पे अच्छा हो कर देता है, पेट के साथ नाखून भी बढ़ा देता है। लेकिन छोटी सी चीज है कि अगर आपके बाल या आपकी स्किन या आपके नेल, स्पेशली नाखूनों के बारे में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि उस पर लाइन्स पड़ जाती हैं, वो कहते हैं ना नाखून खराब हो रहा है, पीला होना शुरू हो गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइडों से काला हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन, लेकिन अगर उस पर लाइन्स आ रही हैं तो प्लीज 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 जाके अपने ब्लड वर्क करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा मेरे हाथों पे नहीं है लाइंस, मेरे पैरों के जो नाखून, मेरे देखिए दोनों पैरों के नाखूनों पे लाइंस है, हाथों पे नहीं है। हम अक्सर पता क्या कहते हैं, मेरी अम्मा के भी नाखून पे थी ना तो मेरे भी आ गए। नहीं नहीं बिल्कुल है, क्योंकि जब आपके इंटरनल कैमरा मैन अपना नाखून चेक किया, जब आपके इंटरनल इश्यूज होते हैं तो उससे आपकी स्किन और नाखून और आपके बाल चीख चीख के आपको बताते हैं कि प्लीज 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 आपको चेकअप की जरूरत है, आप जाए। अगर आप अपने ब्लड वर्क करवा लेते हैं और उसके बाद ये इशू आता है तो ठीक है, आप बफिंग करें, आप अपने नाखून साफ रखें, आप मैनिक्योर पेडिक्योर करें, घर पे कीजिए। और दूसरी चीज जैसे लहसुन की बात निदा ने की, ये बचपन में हम लोगों का सबका शौक होता था कि हम लहसुन का लेकर तो उसको झगड़ा करते थे, उसको भी गूंथते थे और उसके बाद उसको अच्छी तरह झगड़ा करते थे, इससे न सिर्फ नाखून चमकता था, स्ट्रांग होता था, लंबा होता था, अच्छा मजबूत खूबसूरत उंगलियाँ हो जाती थी। अच्छा एक चीज़ ये है कि अक्सर उसमें दाग आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सफ़ेद निशान आने शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम की कमी है, हम बड़े सारे टोटके आजमाने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आपके नाखून ख़राब हो रहे होते हैं तो आपकी ये जगह काली होनी शुरू हो जाती है, ये वाली ठीक है, हम ये यही कहते हैं पता नहीं क्यों हो रही है या क्यूटिकल्स बन रहे हैं या कुछ भी है, तो आपने कुछ भी क्या करना है कि आपने सिरका लेना है सफ़ेद, और इसके अंदर आपने एक किसी भी बोल में आपने सिरका ले लिया, या आप रात में बैठ के जैसे अभी बिल्किस बता रही थी, अब रात में रिपीट में मेरा रात में रिपीट में अच्छा हाँ ये सही, आपने सिरका ले लिया, निकले तो देखो तो सही। हाँ आपने ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ले लिया और विटामिन ई ऑयल ले लिया, ठीक है, इसको टिप इसमें आप आधे घंटे के लिए अपने ना बैठे हुए हैं 25 मिनट्स के लिए, हाँ। बैठ कोई भी बस आप इसमें टिप करके रखें, इससे क्या होगा वो जो सफ़ेद सा एक निशान आ जाता है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और वो जो ये जो जगह है आपकी जो काली हो रही है ये भी सही हो जाएंगी और नाखून आपके मजबूत होना शुरू। और अगर आपके आपके अगर किसी को लगता है कि पाँव के नाखून उभर रहे हैं तो नेचुरोपैथी पर हम कहते हैं कि फ़ौरन अपना ब्लड टेस्ट कराएँ, लीवर और ख़वातीन यूट्रस ज़रूर चेक कराएँ कि उसकी वजह से भी पैर के नाखूनों में प्रॉब्लम आ सकती है, एक वजह ये। एक कॉलर से मैं बात करती हूँ फिर हम आपकी तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इमरान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम निदान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। निदा माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है वॉइस में। एक तो मैं सबसे पहले ना आपको आपकी एयरवाइज की पूरी टीम को बोलूंगी कि हैट्स ऑफ टू यू कि आप कर रहे हैं सब लोग, थैंक यू बहुत शुक्रिया, बल्कि हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेफ रखे और आपको हिम्मत दे। आमीन, बस आप लोग अपने घरों में बैठे रहे हमारे लिए यही बहुत है, हम आपको घर में बिठाने के लिए निकले हैं अपने घरों से, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ करके कोई ड्रामा दिखाते हैं, आपकी हिफाजत करें, हम सबकी हिफाजत करें, अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से पाकिस्तान। आमीन आमीन सुम आमीन। जी क्या सवाल है आपका? आजकल को बहुत जबरदस्त है आपका, मेरा एक जो अभी करंट इशू जो चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन हुआ हुआ है, कहीं आप जा नहीं सकते हैं और गर्मी भी बढ़ रही है, आप किचन में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं कि हम वो मैं करूं तो मेरी स्किन थोड़ी डल भी हो रही है, जब बिकॉज़ आई एम प्रेग्नेंट, और जो ऐसा लगे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं कि जो जिससे लगे फेशियल हो गया अच्छा वाला, 3000 वाला या 5000 वाला, ठीक है अभी अभी बताते हैं, अभी बताते कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी दिलवा दीजिएगा। अच्छा भाई एक मिनट आप अभी ये होल्ड कीजिएगा, डॉक्टर ज़ारा कोई ऐसी चीज इनकी कि इनका जो इनका फेस है वो डल हो गया है किचन में रहकर, और वो जाहिर अभी कोई इतना ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना कुछ, कोई ऐसा फेस वॉश, और प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट हाँ, तो कोई ऐसा फेस वॉश, कोई ऐसी क्रीम जो इनको थोड़ी सी निखार चेहरे पर ले आए। देखिए ये है कि प्रेगनेंसी में हम बिल्कुल लाइट चीजें देते हैं ताकि आपकी स्किन पे ज्यादा असर ना हो, नॉर्मली हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं, तो मैं इनको सेफिडर्म का फेस वॉश दूंगी, सेफिडर्म का फेस वॉश और सेफिडर्म की क्रीम, इससे स्किन थोड़ी ब्राइटन होगी, ग्लो आएगा,
फेस वॉश यूज करें, और इसी की क्रीम आती है वो भी मैं आपको भेजती हूँ, फेस वॉश एंड क्रीम सैफ्रिडर्म ठीक है। तो दिन में 3 दफा फेस वॉश यूज करें, सुबह सनब्लॉक, इसका सोलैरिन सनब्लॉक आता है वो भी मैं आपको भेज देती हूँ, दिन में सनब्लॉक ताकि थोड़ा मॉइस्चराइजिंग रहे, दिन में सनब्लॉक, रात को क्रीम, और ये फेस वॉश सैफ्रिडर्म के ही सारी प्रोडक्ट्स भेज रही हूँ, सैफ्रिडर्म फेस वॉश, सैफ्रिडर्म क्रीम एंड सोलैरिन सनब्लॉक। ठीक है ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपके जो सवालात हैं उन्हें हम सुनेंगे और उनको उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप हमारे पास वापस हैं और कॉल भी आ गई। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तैयबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें तो उदास क्यों, क्या हो गया तुम्हें? हेलो, हाँ, तुम्हें तो उदास क्यों? थोड़ी सी परेशान हो गई थी ना इसलिए। क्यों, सब हर तरफ परेशानी है, तुम ना परेशान हो। अच्छा निदा, आप भी, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, इतने बड़ा जबरदस्त जा रहा था, और आप बहुत इतनी अच्छा कि आप कॉल लेने लग गई है ना। पता है कि मेरे पास ऑडियंस नहीं है ना, मैंने कहा चलो इसी बहाने में तुम लोगों से बात कर लूं, उनसे बात करती थी एक सुकून हो जाता था कि रोज मैं मिली हूँ कितने सारे लोगों से, लेकिन अभी जाहिर है सेफ नहीं है, तो चलो तुम लोगों से मिल ली, एक ही बात है ना। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? निदा पी, प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा, लेकिन एक था जो ये था कि नेल्स का जो था, वो नेल्स ना पहले थोड़ा सा उसमें पेन हुई, पेन होने के बाद वो जो था ना उसको वो डेढ़ दो माह जो थी वो पेन रही, उसके बाद जो था ना मैंने वो डॉक्टर को चेक करवाया, एंड देन फिर वो उसमें से जो थे ना ज्यादा ज्यादा रेशा था वो भी नाक में निकला, फिर वो किसकी नेल्स की बात कर रही हो? नेल। अच्छा, इसके नाखून थे, उसमें दर्द हुआ तो क्या हुआ, कुछ निकला उसमें कोई कोई? नहीं, वो रेड रेड था, फिर वो उसमें से होता था ना वो साइड से थोड़ा सा रेशा निकला, एंड देन वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है अब। अच्छा, मतलब 3 माह हो गया, और वो जो एक वो नेल के साथ साथ वाली स्किन होती है ना उसने उसको वो छोड़ना शुरू कर दिया बिल्कुल। फंगस हो गई है ना शायद, है क्या लगता है आपको? इन्फेक्टेड हो गया नेल, इन्फेक्टेड वो जो है, मैं टैबलेट ले रही थी उसके लिए क्यूटिस। हेलो जी जी, कौन सी टैबलेट ले रही थी? क्यूटिस। आपको आवाज आ रही है? क्यूटन टैबलेट ले रही हूं। क्यूटन, अच्छा ले रही हूं, ठीक है। तो वो जो थी वो अब जो सा था ना ये है कि वो साथ जुड़ भी नहीं रहा अलग से ही है बिल्कुल भी, और वो नेल जब बढ़ता है ना तो वो बिल्कुल उभरा उभरा सा है, भुरभुरा सा नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल ऐसे है, मतलब वो नॉर्मल नॉर्मल ग्रो नहीं कर रहा, उभरा उभरा रहता है, फिर उखड़ जाता है, ग्रो करता है फिर उखड़ जाता है, ऐसे हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो फंस जाता है, तो वो टेढ़ा भी हो जाता है, और वो ये है कि वो साथ में शादी भी है तो इसलिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी कोई जल्दी शादी नहीं होने वाली, कुछ देर में ही होगी, डेट भी आगे बढ़ जाएगी। वाले कहते हैं नहीं कर लेनी है हमने, चाहे दो बंदे आगे कर। कुछ जोर से लगा होगा तो वो नेल बेड से, अब जब भी ग्रो करता है फिर उतर जाता है। मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ था, उनके ऐसे फंगस हो गई, लेकिन उनको तो शुगर वो थी पेशेंट, तो इसलिए उनके साथ यही हो रहा था, लेकिन इनके साथ यही हुआ कि इनको बहुत चोट लगी है तो वो नेल बेड से नेल बिल्कुल हट गया है, तो उसके बाद वो इन्फेक्टेड हुआ जो साथ में इन्होंने बताया, पस पड़ गई है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से जो है ना अब वो नेल बेड होगा। अब ये कि एंटीबायोटिक्स खाएं और नेल्स पे कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल, इट्स गुड, मतलब ये है कि इसके ऊपर और तो कोई चीज लगा नहीं सकते केमिकली, क्योंकि बिल्कुल एक्सपोज्ड है तो वो थोड़ा इन्फेक्शन भी है, थोड़ा एंटीबायोटिक्स खाएं, एंटीबायोटिक्स 2 वीक्स खाएंगी तो वो बिल्कुल इन्फेक्शन जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो हील अप होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी निदा, मैं भी बता देती हूँ कि अच्छा सब लोग ये हमें फ़ोन करके कह रहे हैं ना शादी है तो कर ले, अगर आप गंदम की फसल ने 7 महीने लेना है तो शादी होना हो उसने 7 महीने ही लेना है, ये मैं मिसाल दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। दूसरा ये कि हमारी पैथी में ये करते हैं कि सना के पत्ते वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, अगर आपको पस हो रहा है, नाखून बार बार निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, सना के पत्ते को पीस कर पाउडर बना लें, पाउडर बनाने के बाद आपने 1 कप पानी लिया, उसको हल्के से उसमें उबाल लिया, उबालने के बाद उसको छान लें, छानने के बाद उसमें प्योर सिरका 1 चम्मच आप डाल दें और आधा चम्मच शहद डाल दें, ये आप स्प्रे बॉटल में बना के रखिए ना, दिन में मल्टीपल टाइम आप उसको लगाना शुरू करें तो इससे फ़र्क पड़ेगा। जिनको भी इन्फेक्शन हो कुछ भी हो, ग्लूटन
हमारे आटे में होता है वो नहीं, इससे पहले जो फोन आया था सर के खुश्की बहुत थी, उनको ग्लूटेन भी बंद है कि ग्लूटेन बंद कर दें, ग़िज़ा में जो उसको मतलब कि उसको ताकत पहुंचाता है उसको कम कर दें, कुछ दिनों के लिए बेसन की रोटी खाएं, तो आप देखें आपके नाखूनों में जो पस, ग्लूटेन फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें। अक्सर बहुत सारे दुकानों पे आप जाते हैं तो लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, उसका मतलब यही होता है कि कभी कभार आपको ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। ग्लूटेन और मीठा बंद कर दें ताकि उसकी ताकत ख़त्म हो, तो इंशाल्लाह फिर हो सकता है शादी तक आप नेल पेंट लगा सकें। हाँ इंशाल्लाह। एक और हमारे साथ कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, गुड मॉर्निंग। इरम गुड मॉर्निंग आपकी जी। इरम बताइए क्या पूछें? मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स गॉड कि मेरी कॉल लग गई है। जबरदस्त। तो इरम तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या सवाल करना चाहोगी हमारी एक्सपर्ट से? हाँ जी निदा, मेरी स्किन जोन सी है वो काफी ड्राई है, कुछ भी लगा लो लेकिन ड्राई स्किन जोन से वो खत्म ही नहीं होती, सही नहीं होती। अच्छा। और स्किन ग्लो के लिए कुछ चाहिए, और नेल्स जोन से वो भी टूट जाते हैं, येलो कलर हो जाता है उसका। एक साथ इतने सारे मसले, नेल्स का भी है, स्किन का भी, बाल सही है? हाँ जी निदा, आपकी एक और मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। प्लीज 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 मुझे आपका नंबर चाहिए। ये बात, ये मैं तो अपने मियाँ को भी नहीं देती अपना नंबर, तुम मांग दिया। मजाक कर रही हूँ यार, नंबर थोड़ी प्राइवेट चीज हो जाती है। आई एम सो सॉरी, जिस चीज का मैं वादा नहीं कर सकती मैं झूठ क्यों बोलूँगी। अच्छा मैं तुम्हें अभी नंबर दे दूंगी, नहीं वो मेरा नंबर बहुत प्राइवेट है, और ऑब्वियसली फिर मेरा अपना फैमिली टाइम भी होता है तो मैं नंबर नहीं दे सकती। ये हमारा नंबर है यार भाई का, अगर तुम्हें कोई मैसेज छोड़ना है, तुम्हें कोई खत लिखकर भेजना है मुझे, तो तुम यहाँ भेज सकते हो, D120 साइट एरिया कराची, ठीक है? ये मेरा दूसरा घर है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसके इसको स्किन ड्राई हो जाती है, इसको नेल्स येलो हो जाते हैं, इसके टूट जाते हैं, तो इसको मतलब स्किन और नेल्स का इसको प्रॉब्लम है। कौन सी ऐसी दवाई हम इसको भेज सकते हैं जो स्किन और नेल्स में? स्किन हेयर और नेल्स की सप्लीमेंट्स ही भेज देंगे। वाइवोडर्म सप्लीमेंट्स है, रोजाना एक लें पानी के साथ, ताकि इनकी स्किन हेयर नेल्स तीनों साथ साथ बेहतर हो, ठीक है? और उसके साथ जैसे मैं रूटीन फॉलो करवाती हूँ, अच्छा सनब्लॉक यूज करें, नाइट क्रीम यूज करें, एक सप्लीमेंट ले। जो पीले नाखून हो जाते हैं, पीले क्यों हो जाते हैं? पीले जो है ना बहुत ज्यादा नेल पॉलिश लगाने की वजह से, गंदी क्वालिटी की, एग्जैक्टली गंदी क्वालिटी की नेल पॉलिश लगाए रखते हैं, नहीं मिल रही है उनको, तो उसके बाद उनका यही हाल होगा। लेकिन ये है कि एक छोटी सी चीज है, तिब्बे नबी के अंदर भी ये चीज है, तो इसलिए हमें ये जरूर करनी चाहिए। जब भी आप शावर लें, जब भी गुस्ल करके या सुबह उठते हैं या वजू करके हटते हैं, तो सबसे पहला आपका काम है कि आप जैतून का तेल अपने नाखूनों पे, पैरों के और हाथों के लगाएं। इससे न सिर्फ नाखून साफ सुथरे रहेंगे, आपके चमकदार रहेंगे, मजबूत होंगे, बल्कि इससे आपकी याददाश्त भी नहीं जाएगी। और ये नाखूनों से जी, आपने ये बकायदा आप अपने नेल्स पे जैतून का तेल आफ्टर शावर जरूर लगाया करें, हाथों और पैरों के नाखूनों पे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और बहुत से फायदे देगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी जरूर है निदा को, माशाल्लाह लोग बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ये लोग अपने घरों से निकले हुए हैं इस वायरस में भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, बात करने के लिए, आज हम लोग भी इसमें शामिल है, दुआओं का इस अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिए। लेकिन कोशिश कीजिए अपने इर्द गिर्द का जरूर ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी सबसे उन लोगों के लिए, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, स्पेशली मेरे यंगस्टर्स जितने हैं जो कि काम कर रहे हैं कराची में इस वक्त राशन मुहिम के ऊपर भी, उसके अलावा भी जो मेडिसिन पहुंचा रहे हैं लोगों को, लेकिन ये देखिएगा जरूर कि कहीं हकदार पीछे ना रह जाए, तो कोशिश कीजिए। और लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है इस शो पे स्पेशली कहने की वजह यह है कि मास्टर्स भी देखते हैं, लीड क्लास भी देखते हैं, तो निदा को हर कोई देखता है, तो प्लीज 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 बच्चे निकले हुए हैं राशन पहुंचाने के लिए, आप लोग थोड़ा सा हौसले से काम करेंगे तो सबको चीजें मिलेंगी और सबको मुहैया करेंगे वो लोग बस। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप लोग जब घर से बाहर निकले तो अपना हिफाजत जरूर करें। उसकी वजह ये कहने की वजह ये है कि परसों मेरे पास कोई आया हुआ था मेडिसिन लेने के लिए खातून, तो उनको कॉल आई कि बेटा आप आके राशन ले लें, बिलावल चुरंगी की बात करिए, और वो अकेली, मैं मुझे ये था कि ये खातून कहाँ बिलावल चुरंगी तक जाएंगी जमजमा पार्क से, तो चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ, मैं उसको लेने के लिए, तो मुझे हैरानगी हुई कि वो 24-25 साल की लड़की, 22 साल की 24-25 साल की, इतनी एज होगी, ऑफिस में काम करती है अभी, अनमैरिड है, और वो बच्ची अपनी गाड़ी में राशन डाल के घूम रही है लोगों को राशन देने। शी कॉल्ड मी के आंटी आप मुझे चलें अब्दुल्ला शाह गाजी के पास मुझे, और उसके बाद उसने मुझे, मैंने उससे कहा कि ये सेफ नहीं है बेटा, आप मुझे वहाँ इस औरत को राशन दे रही होंगी तो वहाँ बहुत से लोग आ जाएंगे। आई वाज शॉक्ड, और घर आते साथ मैंने अपने बच्चों को भी बोला, मैं खबरदार तुम लोगों में से कोई गया जिसको राशन देना मुझे बताओ, मैं खुद जाके देती हूँ।
तो प्लीज बेटा अपनी सेफ्टी पहले, ये सेफ नहीं है। हमारे बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, मैं करूंगी या मैं करूंगा, और गाड़ी लेके निकल जाते हैं अपने अब्बा अम्मा की, वो सेफ नहीं है। एक साथ लोग चिपक जाते हैं, आपको पता नहीं अभी एक खातून ने भी किस्सा सुनाया था, क्योंकि गाड़ी पे कैसे लोग आ गए थे, हाथ डाल रहे थे अंदर, और मतलब ये चीजें देखने को मिल रही है। एक और चीज मैं कहूंगी कि कुछ लोग जब राशन पहुंचाते हैं तो पिक्चर्स भी ले रहे हैं, मतलब अपनी तहशीर कर रहे हैं, ये वक्त इस चीज का नहीं है। आप खामोश सिपाही बने और जो भी काम करें आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और अगर मतलब अपना फोन नंबर एड्रेस दे दें तो कुछ मतलब कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात कहूंगी कि जो बहुत प्राइवेटली भी सब राशन बांट रहे हैं, मुझे लगता है राशन से बेहतर ये कि अगर प्राइवेटली आपने ये काम करना है तो पैसे दे दें, क्योंकि राशन से भी लाइक चीजें इधर से उधर हो रही है। कहने का मकसद है कि बहुत सारे उसमें भी हो सकता है आप अपने घर में लाके रखेंगे, आपके लिए भी सेफ नहीं है, फिर वो लेकर आएगा उस बंदे को अकेला, वो हाथ से वॉक करके नहीं ले जा सकता, उसको पूरा रक्षा हायर करना पड़ेगा। निदा, ये छोटी सी चीज मैं कहना चाहती हूँ, जब आप बुलाते हैं तो उन गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो आएंगे किस तरह? लेकिन दूसरी चीज ये कि जैसे हम बड़ी बड़ी सुपरमार्केट से बच्चे जाके कहते हैं कि आप करें, मैंने सबको मना किया, एक राशन के साथ सब्जी जरूर दीजिए ताकि वो खाना पक भी सके। तो आप जब ये चीजें दे रहे हैं तो अपने घर की, अपने मोहल्ले की दुकान के उस आदमी को साथ में लाइए जो पंसार वाला है या छोटी दुकान वाला है, ताकि उसका घर भी चलता रहे, और इसमें किसी बड़े को मिला लें। जैसे सब्जी वाला भी आ गया आपके पास, पंसार वाला भी, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, थैले बनाकर देंगे, उनके पास खड़े होकर बनवाइए, वही बनवाइए। लेकिन अब कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरह से हेल्प आउट करें, आप हेल्प कर रहे हैं खामोशी से कीजिए, लेकिन दूसरे की इज्जत नफ्स को मत कत्ल कीजिए। क्योंकि अभी आजकल घर से वो लोग भी निकल रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। अल्लाह ताला सबकी जो डिग्निटीज हैं वो बरकरार रखे और उनकी मदद हो, और जल्द से जल्द ही हम इस मुश्किल आजमाइश मुश्किल घड़ी से एक साथ निकल पाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच आप तीनों का घर से निकलने का। लेकिन हम चारों आपसे ये कहेंगे कि हम घर से निकले हैं, आपने घर पे रहना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।